एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, तुमने तो अकेले ही इन सब की नाक में दम कर रखा है। लोग वहां मर रहे हैं। भूल जाओ जैसे मैं भूल गई। मैं बात राजा की नहीं प्रजा की कर रहा। वो तो तुम्हारे भी लोग हैं। मैं अपनी मुसीबतों से भागता नहीं, उनसे लड़ता हूं। मुझे बोलना खाने दो। कितनी कमाई हुई थी फिल्म ट्रिपल आर की, क्या है फिल्म का प्लॉट, कौन करेगा फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीक्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। 24 मार्च 2022 का दिन बॉलीवुड के इतिहास में एक याद रखने जैसा दिन था, क्योंकि इस दिन रिलीज हुई फिल्म ट्रिपल आर ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। एसएस राजामौली के द्वारा बनाई गई ये ऐसी दूसरी फिल्म है जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। विदेशी जमीन पर भारतीयों की ताकत को दर्शाते एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर ने दिखाया कैसे दो भारतीयों ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। इन दोनों के साहस से पूरा ब्रिटिश एम्पायर हिल गया था। इस फिल्म की सफलता की गूंज पूरे भारत देश में सुनाई दी थी और कल ही इस फिल्म को रिलीज हुए 100 दिन हो गए हैं और इस मूवी ने चारों ही भाषाओं में उम्मीद से ज्यादा कमाई की है, जिसमें सिर्फ हिंदी भाषा में ही 265 करोड़ का बिजनेस किया। इसकी सफलता के बाद एसएस राजामौली का आत्मविश्वास और बढ़ा है और वो इसके दूसरे पार्ट को लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम है R4। बात करें R4 के प्लॉट की तो इसमें भीमा शिक्षित हो जाएंगे, जिससे जेनी और भीमा की शादी हो जाएगी और जेनी भी गॉड प्रजाति को अपना लेती है। इस मूवी में भीमा को अपने पूर्वजों से ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए गॉड जाति के ऊपर अत्याचारों के बारे में पता चल जाता है कि कैसे उन्होंने उनके हक को छीन लिया था, जिससे भीमा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो राम के आजादी के आंदोलन में शामिल हो जाता है। साथ ही जेनी भी ब्रिटिशर्स की सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन देके उनकी मदद करती है। और जैसा हमने आपको बताया था कि इस मूवी में होने वाली एक और किरदार की एंट्री, जिसका नाम R से शुरू होगा और वो इस फिल्म का मेन हीरो रहेगा। मूवी में उसकी कहानी और उसके संघर्ष को एक नए सिरे से दिखाया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस रोल के लिए गुपचुप तरीके से रणबीर कपूर को अप्रोच किया गया है, जो राम और भीमा के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिख सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इस मूवी से रणबीर कर सकते हैं टॉलीवुड में अपना डेब्यू और उनकी वाइफ आलिया पहले से ही इस फिल्म का हिस्सा है। अभी ये फिल्म प्री प्रोडक्शन में ही है और इसका काम शुरू होने में काफी वक्त लगेगा। और वहीं हम आपको बता दें कि कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट एसएस राजामौली की वाइफ रामा राजामौली ही संभालती हैं और साथ ही वो फिल्मों के डायलॉग भी लिखती हैं। यहां तक कि जितनी भी एसएस राजामौली ने फिल्में डायरेक्ट की हैं, कॉस्ट्यूम और डायलॉग का डिपार्टमेंट उनकी वाइफ ने ही संभाला है। दोस्तों में होगी किसी और की एंट्री, क्या एक और सुपरस्टार की होगी एंट्री, क्या हमें और कोई फिक्शनल किरदार देखने मिलेगा। तुम्हारी दोस्ती से कीमती तो मेरी जिंदगी भी ही है। दोस्तों दो सुपरस्टार की दोस्ती हमने सबने देख ही ली होगी फिल्म ट्रिपल आर में। लोगों ने ना केवल इस फिल्म को पसंद किया बल्कि इस फिल्म को देख बड़े खुश भी हुए। दोस्तों फिल्म में जो किरदार हमने देखे वो हमारे असल जिंदगी के किरदार है। जो फिल्म में दिखाए गए अल्लूरी सीताराम और कोमाराव भीम का किरदार कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स ना होते हुए हमारे असल जिंदगी के किरदार है। इस बात की जानकारी हमें खुद राजा मौली ने ही दी। जब मैंने अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराव भीम के बारे में पढ़ा तो ये जानना रोमांचक था कि उनकी कहानी एक जैसी है। वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले, क्या होता अगर वो एक दूसरे से इंस्पायर होते तो। यही फिल्म ट्रिपल आर के बारे में है।
ये पूरी तरह से फिक्शनल फिल्म है। फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर स्थापित किया गया है, इसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ी, कॉस्ट्यूम, उनकी बोली, उनके रहन सहन को जानने के लिए, और हमें इसे एक साथ लाने में इतना समय लगा। दोस्तों, राजा मौली की इस बात से तो साफ हो गया कि फिल्म के किरदार तो असली है पर वो कभी असल जिंदगी में मिल ही नहीं पाए। ये तो वही बात है, अगर इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता है। राजा मौली ने इन दो अलग किरदारों को साथ लाकर हमारे सामने एक बेहतरीन फिल्म का निर्माण कर दिया और शायद इस बात के लिए उन्हें एक स्पेशल डायरेक्टर का दर्जा दिया जाता है। कहानी को बढ़ाने के लिए क्या हम फिल्म के सीक्वल में कुछ ऐसे ही नए किरदारों की एंट्री देख सकते हैं? वैसे अभी तक कास्ट रिवील नहीं हुई है, लेकिन अगर दर्शकों को सीक्वल में दो सुपरस्टार्स की जगह अगर 3 सुपरस्टार्स देखने मिल गए तो क्या हमें एक नए सुपरस्टार की एंट्री देखने मिलेगी? दोस्तों, कहा ऐसा जा रहा है कि शायद फिल्म की कहानी में एक और स्टार की एंट्री होगी जो कि साउथ का बहुत जाना पहचाना चेहरा है। जी, हम बात कर रहे हैं विजय चंद्रशेखर की, यानी सबके लाडले विजय थलापति की। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, विजय के एक्टिंग के दीवाने हैं उनके फैंस, और अगर वही हम बात करें उनके फैंस की गिनती की तो वो करना भी मामूली बात नहीं होगी। क्या हम दोस्ती में किसी और की एंट्री देख सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। कितनी कमाई हुई थी फिल्म RRR की? क्या है फिल्म का प्लॉट? कौन करेगा फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीक्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। 24 मार्च 2022 का दिन बॉलीवुड के इतिहास में एक याद रखने जैसा दिन था, क्योंकि इस दिन रिलीज हुई फिल्म RRR ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। SS राजामौली के द्वारा बनाई गई ये ऐसी दूसरी फिल्म है जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। विदेशी जमीन पर भारतीयों की ताकत को दर्शाते SS राजामौली की फिल्म RRR ने दिखाया कैसे दो भारतीयों ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। इन दोनों के साहस से पूरा ब्रिटिश एम्पायर हिल गया था। इस फिल्म की सफलता की गूंज पूरे भारत देश में सुनाई दी थी और कल ही इस फिल्म को रिलीज हुए 100 दिन हो गए हैं और इस मूवी ने चारों ही भाषाओं में उम्मीद से ज्यादा कमाई की है, जिसमें सिर्फ हिंदी भाषा में ही 265 करोड़ का बिजनेस किया। इसकी सफलता के बाद SS राजामौली का आत्मविश्वास और बढ़ा है और वो इसके दूसरे पार्ट को लाने की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम है R4। बात करें R4 के प्लॉट की तो इसमें भीमा शिक्षित हो जाएंगे जिससे जेनी और भीमा की शादी हो जाएगी और जेनी भी गॉड प्रजाति को अपना लेती है। इस मूवी में भीमा को अपने पूर्वजों से ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए गॉड जाति के ऊपर अत्याचारों के बारे में पता चल जाता है कि कैसे उन्होंने उनके हक को छीन लिया था, जिससे भीमा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो राम के आजादी के आंदोलन में शामिल हो जाता है। साथ ही जेनी भी ब्रिटिशर्स की सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन देके उनकी मदद करती है और जैसा हमने आपको बताया था कि इस मूवी में होने वाली एक और किरदार की एंट्री जिसका नाम R से शुरू होगा और वो इस फिल्म का मेन हीरो रहेगा। मूवी में उसकी कहानी और उसके संघर्ष को एक नए सिरे से दिखाया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस रोल के लिए गुपचुप तरीके से रणबीर कपूर को अप्रोच किया गया है, जो राम और भीमा के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिख सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इस मूवी से रणबीर कर सकते हैं टॉलीवुड में अपना डेब्यू और उनकी वाइफ आलिया पहले से ही इस फिल्म का हिस्सा है। अभी ये फिल्म प्री प्रोडक्शन में ही है और इसका काम शुरू होने में काफी वक्त लगेगा। और वहीं हम आपको बता दें कि कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट SS राजामौली की वाइफ रामा राजामौली ही संभालती हैं और साथ ही वो फिल्मों के डायलॉग भी लिखती हैं। यहां तक कि जितनी भी SS राजामौली ने फिल्में डायरेक्ट की हैं, कॉस्ट्यूम और डायलॉग का डिपार्टमेंट उनकी वाइफ ने ही संभाला है। तो दोस्तों, क्या आप RRR के सीक्वल के लिए तैयार हैं? किस नए कैरेक्टर की हुई फिल्म में एंट्री? कौन है ब्लॉकबस्टर फिल्मों का राइटर? कितनी फिल्में हैं KV विजेंद्र प्रसाद के पास? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। 24 मार्च 2022 का दिन बॉलीवुड के इतिहास में एक याद रखने जैसा दिन था, क्योंकि इस दिन रिलीज हुई थी फिल्म RRR। RRR ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। SS राजामौली के द्वारा बनाई गई ये ऐसी दूसरी फिल्म है जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया था। अब फैंस की डिमांड और RRR की ग्रैंड सक्सेस के बाद SS राजामौली ने इसके सीक्वल की घोषणा तो कर दी है, पर इस फिल्म की शुरुआत करने के लिए उन्हें जिसकी तलाश थी वो पूरी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के सीक्वल यानी कि RRR में एक अन्य किरदार की तलाश थी
जो कि फिल्म के चौथे आर के लिए काम करेगा। तो आपको बता दें कि कौन होगा वो किरदार। तो इस बार इस किरदार को अदा करने वाले हैं राजकुमार राव। आप ये सुनकर काफी शौक रह जाएंगे, क्योंकि राजकुमार राव भले ही इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं, पर उन्हें आज भी कम बजट वाली फिल्में ही ऑफर होती हैं। पर SS राजामौली ने उन पर भरोसा जताया है और वो उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। ये फिल्म राजकुमार राव के लिए बहुत बड़ा ब्रेक साबित हो सकती है और उनके करियर को एक लंबी उड़ान देने में मदद कर सकती है। वैसे इसमें राजकुमार राव का कितना रोल होगा, इस बात की कोई भी पक्की खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी फिल्म की कहानी पर बड़ी बारीकी से काम चल रहा है। और वहीं राजामौली अभी महेश बाबू के साथ एक अन्य प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से R4 के लिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। साउथ की फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि बॉलीवुड में भी खलबली मचा दी है। इन फिल्मों के डायरेक्टर और एक्टर्स को तो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इन साउथ फिल्मों की कहानी को लिखने वाले लोगों को जानते हों। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनके बारे में, जिसने ऐसी कहानियों के ऊपर काम किया कि उन फिल्मों ने इतिहास रच दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन बेहतरीन फिल्मों की कहानी के कहानीकार SS राजामौली के पिता KV विजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिन्होंने RRR के अलावा बाहुबली, बजरंगी भाईजान, रावड़ी राठौर जैसी अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानियां लिखी हैं। पर अब ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानियों का सिलसिला खत्म होने वाला है और अब ऐसी फिल्में दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि KV विजेंद्र प्रसाद जी को हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ जी के द्वारा राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेट किया गया है। अभी हाल ही में हुए इंटरव्यू में विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मुझे नॉमिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, जब मुझे इस बात की सूचना मिली तो मैं हैरान रह गया। राज्यसभा का उम्मीदवार के रूप में चुना जाना मेरे लिए गर्व की बात है, मैं इसका सम्मान करूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता राज्यसभा के कर्तव्यों में भाग लेना है। वहीं फिल्में लिखने की बात है तो ये काम मैं सिर्फ खाली समय में करूंगा। फिलहाल विजेंद्र प्रसाद के पास फिल्मों की लाइन लगी पड़ी है, जिसमें सलमान भाई की बजरंगी भाईजान का सीक्वल पवन पुत्र भाईजान भी है। इसके साथ ही राउडी राठौर 2 और 1770 एक संग्राम ऐसी कई बड़ी फिल्मों पर विजेंद्र प्रसाद काम कर रहे हैं, यानी कि लिख रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियो। SS राजामौली ने कब होगी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट? क्या इंडिया से बाहर होने वाली है इस बार फिल्म की शूटिंग? जानेंगे हम ये सब इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो सीक्वल्स का जमाना चल रहा है और इस जमाने में हमारी पुष्पा और KGF जैसी फिल्में शामिल है और इनका साथ दे रही है इस बार RRR 2, यानी कि हमारे रामचरण और जूनियर NTR की फिल्म। तो दोस्तों इस फिल्म ने हर जगह अपनी एक्टिंग और अपने एक्शन से भूचाल मचा के रखा हुआ है। जिसने भी ये फिल्म देखी है वो इसकी तारीफ करे बिना रुक नहीं रहा है। तो इस फिल्म की अब सीक्वल की बात चल रही है। RRR ये सिर्फ 3 लेटर्स का वर्ड है, मगर इस 3 लेटर्स के वर्ड ने बॉलीवुड को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया है। इस फिल्म ने अपनी एक्टिंग और अपने एक्शन से ऑडियंस का दिल छू लिया था और इसकी सक्सेस तो ना आपसे छुपी है ना ही मुझसे। सभी लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं कि क्या ही बताएं, और इसके सीक्वल को जोर जोर से मांग रहे हैं। यानी कि SS राजामौली से ये अपील करी जा रही है कि वो RRR 2 यानी कि RRR 2 को जल्द से जल्द लाएं। तो इसमें बात करते हैं आखिर उन्होंने क्या बोला। तो एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यूई ने पूछा था SS राजामौली से कि आप कब लाने वाले हैं RRR 2 को। उसी टाइम उनके साथ फिल्म के राइटर यानी कि उनके पिता बैठे थे, उन्होंने बोला कि हम फिल्म पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि फिल्म पे काम स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और उसके बाद हमें फिल्म की अनाउंसमेंट जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। तो काफी एक्साइटेड है सारे फैंस इस न्यूज को सुनने के बाद। अब बात यही करनी है कि कब होगी फिल्म की शूटिंग और कहां कहां होगा फिल्म का शूट। तो दोस्तों जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, तो जो जो अंग्रेजों के साथ हुआ है वो उसके बाद चुप तो नहीं बैठेंगे, वो जरूर पार्ट 2 में इसका बदला लेंगे। तो उसके लिए हमारे जूनियर NTR और रामचरण भी तैयार है अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इस बार हमें हमारे देसी हीरो दिख सकते हैं विदेशी जमीन पे, यानी कि इंडिया से बाहर होने वाली है फिल्म की शूटिंग। बोला ये जा रहा है कि इन लोगों को एक मिशन मिलेगा जिसके बाद उन्हें इंडिया से बाहर जाना होगा। तो इंडिया से बाहर इन्हें 3 कंट्रीज मिली हैं, यानी कि ब्राजील, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका। इन्हीं 3 कंट्रीज में से एक कंट्री में होगा इस फिल्म का शूट, जहाँ पे हमें दिखेंगे जूनियर NTR और रामचरण। तो काफी कुछ होने वाला है सीजन में, काफी एक्साइटिंग होगा ये सीजन। तो चलिए बात करते हैं आखिर फिल्म रिलीज कब होगी। तो दोस्तों सब बोला जा रहा है कि फिल्म रिलीज हो जाएगी 2023 में, या बोल सकते हैं 2024 के स्टार्टिंग में तो पक्का हो जाएगी हमारी RRR 2 रिलीज। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए।
क्या भीम और राम होंगे अलग? क्या फिल्म को मिला था ऑस्कर अवार्ड? क्या इस फिल्म में कोई नया एक्टर आने वाला है? जानेंगे हम ये सब इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं आपकी दोस्त और होस्ट हर्षिका। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों, हर जगह साउथ इंडस्ट्री ने अपना दबदबा बना लिया है, और जब से साउथ इंडस्ट्री को वो रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा है जो वो हमेशा से डिजर्व करते थे, उसके बाद तो बॉलीवुड का नामो निशान तक गायब हो चुका है। यानी कि बॉलीवुड को कोई पसंद ही नहीं कर रहा है जब से उन सब ने साउथ की एक्शन और एक्टिंग देखी है। सबको बस साउथ की ही फिल्में चाहिए, सबको बस साउथ के ही एक्टर्स चाहिए। तो आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? आखिर वो कौन सी फिल्म थी जिससे मिला साउथ इंडस्ट्री को वो रिकॉग्नाइजेशन? तो चलिए करते हैं उस पर भी बात। तो दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री को अपनी पहचान यानी कि वो रिकॉग्नाइजेशन इस सोसाइटी में एक फिल्म के बाद मिला था, जिसके डायरेक्टर थे SS राजामौली। यानी कि SS राजामौली की फिल्म बाहुबली के बाद मिला साउथ इंडस्ट्री को वो रिकॉग्नाइजेशन। ये फिल्म आई थी 2015 में। इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, मानिए सारे रिकॉर्ड। टॉलीवुड के तो तोड़े ही थे, उसके साथ बॉलीवुड के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सारे फैंस पागल हो गए थे इस फिल्म को देख के, सिनेमैटिक ग्राफिक्स को देख के। और उसके बाद इस फिल्म ने अपनी ऑडियंस के लिए एक सस्पेंस क्वेश्चन छोड़ा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब मिलते मिलते आप लोगों को 2 साल हो गए थे। यानी कि 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग आई थी, उसके बाद 2017 में आई थी इसका सेकेंड पार्ट, यानी कि इसका फाइनल पार्ट, जिसमें आपको मिला था इसका जवाब। और जो फाइनल पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट से भी बड़ा सुपर डुपर हिट था। इस फिल्म को हॉलीवुड में भी प्रेस करा गया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म थी SS राजामौली का। यहीं से शुरू हुआ सफर हिट पे हिट फिल्में बनाने का। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अब इनकी तीसरी फिल्म पे बात, जिसका नाम है RRR। RRR के बारे में आपने बेशक सुना होगा, क्योंकि इस फिल्म ने कम्पीट करा है बाहुबली को। SS राजामौली की इस फिल्म ने हर जगह से प्रेस कमाया है, टॉलीवुड, बॉलीवुड, पॉलीवुड, यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी। हॉलीवुड ने भी काफ़ी सारे लोगों ने इस फिल्म को प्रेस करा। इस फिल्म की कहानी थी दो लोगों के ऊपर, यानी कि दो क्रांतिकारियों के ऊपर, जो अपना सफ़र दिखाते हैं अपने घर से अलग होने का। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करा है उन्होंने, और वो अभी भी कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में वो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, तो ये दिखाया था इस फिल्म में। इसके बाद इस फिल्म को इतना प्यार मिला ऑडियंस से कि अब ऑडियंस मानने लगी इसका सीक्वल। तो इसके डायरेक्टर ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये फिल्म बनेगी एक फ्रेंचाइजी। जी हाँ दोस्तों, एक इंटरव्यू में SS राजामौली के पिता, जो इस फिल्म के राइटर भी हैं, उनसे एक इंटरव्यू ही ने पूछा कब आएगी RRR का सीक्वल। तो उन्होंने बोला, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम RRR को एज फ्रेंचाइजी भी देखने वाले हैं। अब जब उन्होंने फिल्म की मार्केटिंग देख ली है और ऑडियंस का प्यार देख लिया है, उसके बाद उन्होंने ये तय करा है कि फिल्म एक फ्रेंचाइजी होगी, यानी कि फिल्म के और पार्ट्स भी आएंगे। तो उसके लिए उन्हें थोड़ा और काम करना है, उन्होंने बोला, इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए, मगर मैं गारंटी देता हूँ कि ये फिल्म जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपको RRR का सीक्वल बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। मगर फैंस के मन में एक कन्फ्यूजन है, क्या RRR ने ऑस्कर अवार्ड जीता था? तो दोस्तों, नहीं, RRR को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला था। तो आई होप आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। RRR को हॉलीवुड में काफ़ी प्रेस करा गया था, काफ़ी अच्छा माना गया था, ये हिट भी थी, मगर उसे ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। और एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या इसमें एक और एक्टर दिखने वाला है? तो दोस्तों, इसके ऊपर अभी भी कुछ भी बोला नहीं गया है, ऑफिशियली कोई भी चीज़ अनाउंस नहीं हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर अभी भी इस पर काम कर रहे हैं, यानी कि प्री प्रोडक्शन चल रहा है अभी फिल्म का। अगर ऐसा कुछ होना होगा तो हमें उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगी, तब जाके मैं आपको वीडियो बना के आप तक ये सब पहुँचा ही दूंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। होगा फिल्म का प्लॉट, क्या बनेगा राम के गांव में, कब होगी ये फिल्म रिलीज? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। 24 मार्च 2022 का दिन बॉलीवुड के इतिहास में एक याद रखने जैसा दिन है, क्योंकि इस दिन रिलीज हुई थी फिल्म RRR, और RRR ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। SS राजामौली के द्वारा बनाई गई ये ऐसी दूसरी फिल्म है जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। बात करें इस बार फिल्म के प्लॉट की, तो राम जब हथियार लेके गांव आते हैं, जिससे खुशी का माहौल बन जाता है और सभी लोग जी जान लगाकर हथियार चलाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट जनरल स्कॉट के मौत से बौखला जाती है और वो इस हार को हजम नहीं कर पाते, इसलिए वो इसका बदला लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक गवर्नर अपॉइंट करते हैं राम और भीमा से बदला लेने के लिए और उनके गांव को पूरा बर्बाद करने के लिए और पूरी गौड़ जाति को मिटाने के लिए।
जिसके लिए धोखे से राम और भीमा को किसी लालच से दिल्ली बुलाया जाता है। जैसे ही दोनों दिल्ली पहुंचते हैं उनके साथ जमकर मारपीट होती है और साथ ही उनके गांव को ये बोलकर तबाह कर दिया जाता है कि इस जमीन पर ब्रिटिशर्स अपनी नई फैक्ट्री और बाकी की चीज़ों का निर्माण करेंगे, जिसके लिए जमीन ब्रिटिशर्स ने खरीद ली है और उन्हें बड़ी बेरहमी से वहां से निकाल दिया जाता है और वो लोग दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। राम और भीमा को जब इस बात का पता चलता है तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाते और दोनों वहां से भाग निकलते हैं अपने गांव की तरफ, जिससे फिर से उन दोनों की तलाश पूरे इलाके में शुरू हो जाती है। जब वो गांव का हाल देखते हैं तो वापस से ब्रिटिश गवर्नमेंट से बदला लेने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। इस मूवी में चौथा कैरेक्टर आर नाम से शुरू होगा जब उसकी एंट्री होती है और ये तीनों मिलकर उस गवर्नर को मार देते हैं और अपना बदला ले लेते हैं। ये ट्रिपल आर थी किस रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड? क्या R4 होगी एक रीमेक? कब रिलीज होगी R4? SS राजमौली की फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की तो बात ही अलग है। ट्रिपल आर ने वर्ल्ड वाइड 1,144 करोड़ की कलेक्शन की और ट्रिपल आर एक हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर मूवी भी है जो 2022 की सबसे बड़ी फिल्म बनी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसी होगी R4 की स्टोरी और कब R4 के लिए ऑडियंस को करना पड़ेगा और कितना इंतज़ार करेंगे। R4 से जुड़े और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बात, तो वीडियो में बने रहे हमारे साथ एंड तक। ट्रिपल आर को 1920s के दो फ्रीडम फाइटर्स से इंस्पायर होकर बनाया गया है, अल्लूरी सीताराम और खोमराम भीम। डायरेक्टर राजामौली ने एक इंटरव्यू में के दौरान ये कहा था कि इन दोनों फाइटर्स के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ट्रिपल आर के स्क्रिप्ट में काफ़ी चेंजेस भी किए गए हैं। डायरेक्टर SS राजामौली को ये कहानी पहले से पता थी और इन कैरेक्टर से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, लेकिन जब भी वो दोनों कुछ ना कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर रहे तो बता दें कि उस टाइम क्या हुआ था उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए राजामौली ने अपने दिमाग से आगे की स्क्रिप्ट बना दी। अब अगर देखा जाए राजामौली की लास्ट 3 मूवीज को, जिसमें बाहुबली 1, बाहुबली 2 और RRR शामिल है, ये तीनों मूवीज ही रियल लाइफ इंस्पिरेशन है। ये एक इंटरव्यू के दौरान राजामौली ने बताया था कि बाहुबली एपिक महाभारत से इंस्पायर्ड है। उम्मीद यही है कि R4 भी किसी मूवी की रीमेक नहीं होगी, क्योंकि राजामौली की फिल्मों की स्टोरीज एकदम अलग ही होती हैं, मगर हो सकता है कि ये मूवी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड हो। R4 को लेकर अभी तक कोई खास अपडेट नहीं मिल पाई है, राजामौली स्क्रिप्ट्स में कोई काम नहीं छोड़ते, शायद यही वजह है कि उनकी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी इतनी ज़बरदस्त होती है। RRR में एक और R जुड़ने में थोड़ा टाइम और लग सकता है। ये मूवी 2024 के एंड तक रिलीज हो सकती है, क्योंकि अब राजामौली बिजी हैं अपनी बाकी फिल्मों में। और बात करें अगर इस फिल्म की कास्ट की, तो बता दें कि इस फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR R4 में भी नजर आएंगे, मगर फिल्म की बाकी कास्ट को लेकर अभी तक कोई खास अपडेट्स नहीं आई हैं। आपको R3 में सबसे अच्छा किरदार किसका लगा था, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीक्राज स्टूडियोज़ को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। दरअसल मैं RRR को फास्ट फॉरवर्ड करके बोलने की कोशिश कर रही थी। क्या छोड़िए ये फास्ट फॉरवर्ड की बातें, हम तो आप लोगों को धीरे धीरे स्लोली स्लोली देते चलेंगे RRR से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट्स। अगर मैं बात करूँ आज के वीडियो की, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या फिर से ओलिविया मॉरिस बनेंगी RRR का हिस्सा, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि क्या एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा फायर और वाटर का कॉन्सेप्ट, और इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या रामचरण एक सक्सेसफुल एक्टर के होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है या नहीं। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पॉलीग्राड स्टूडियोज। देखिए, RRR एक एक्शन फिक्शनल मूवी होने वाली है, जिसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होगी जहां दो सुपरस्टार्स पहले तो रहते हैं दुश्मन और लेकिन उसके बाद बन जाते हैं काफी अच्छे दोस्त। जी हाँ, वैसी ही कुछ स्टोरी जैसी हमें RRR में देखने को मिली थी। खैर, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में हमें श्रिया सरन कैमियो करती हुई नजर आ सकती है। जी हाँ, वही श्रिया सरन जो है काफी फेमस तेलुगु, तमिल और बॉलीवुड एक्ट्रेस। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज में से एक है।
अब मैं बात करूं कि श्रिया सरन कौन सी फिल्में कर चुकी है, कौन सी उनकी आने वाली फिल्में हैं और कैसे कैमियो के रोल में नजर आ सकती है वो RRRR में, तो चलिए ये भी जान ही लेते हैं। दरअसल हमने श्रिया सरन को सेक्शन 375, दीवानगी, उजड़ा चमन जैसी फिल्मों में देखा है और वो जल्द ही हमें नजर आएंगी खुफिया और दृश्यम 2 में भी। फिल्म RRR में श्रिया सरन नजर आई थी एक की रोल में, जिसमें उनका किरदार काफी ज्यादा इमोशनल दिखाया गया था। जी हाँ, वो नजर आई थी अजय देवगन के ऑपोजिट। कहा यही जा रहा है कि फिल्म RRR में भी वो कैमियो करती हुई नजर आ सकती हैं। दरअसल वो SS राजमौली के साथ काफी सारी फिल्मों में पहले भी काम कर चुकी है और वो हमेशा ही तैयार रहती है उनकी कोई भी फिल्म में काम करने को। चलिए अब बढ़ते हैं उन दूसरी एक्ट्रेस की तरफ जो आई थी नजर फिल्म RRR में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओलिविया मॉरिस की। दरअसल ओलिविया मॉरिस एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है, जी हाँ, जो कि काफी सारी फिल्मों में आ चुकी है नजर, चाहे वो RRR हो या फिर प्रोफेसर टी या फिर द हेड जैसी फिल्में। जी हाँ, हालांकि अभी कहा जाए तो वो प्रोफेशनल फ्रंट से उतनी ज्यादा बिजी नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि उनका भी एक पार्ट नजर आ सकता है फिल्म RRR में। हालांकि फिल्म RRR में उनका इतना बड़ा रोल नहीं था अकॉर्डिंग टू NTR एंड रामचरण, लेकिन फिर भी दर्शकों ने उनके किरदार और उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया था। जी हाँ, उस किरदार के लिए कहा जाता है कि उन्होंने 1 करोड़ की फीस भी चार्ज की थी। अब देखना यही होगा कि क्या फिल्म मेकर्स एक बार फिर से कास्ट करते हैं ओलिविया मॉरिस को आने वाली फिल्म RRR में या फिर नहीं। खैर, अब मैं अगर बात करूं उन दो प्रोटैगनिस्ट की जिन्होंने हमारे सुपर हीरोज को रिप्रेजेंट किया था इस फिल्म में, यानी कि RRR में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फायर और वाटर की, यानी कि अग्नि और जल। दर्शकों को ये नेचुरल एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट आया था काफी ज्यादा पसंद। अब देखना यही होगा कि क्या फिल्म मेकर्स एक बार फिर से इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं आने वाली फिल्म RRR में। खैर, अब चलते हैं और बढ़ते हैं उस तीसरे सवाल की ओर जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताने का प्रॉमिस किया था, क्योंकि हम तो निभाते हैं अपने प्रॉमिसेस, अनलाइक यू जो नहीं करते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को लाइक। चलिए छोड़िए, ये बात तो लास्ट में बोलने की है, बोल ही दूंगी। अब आते हैं हम रामचरण की इनकम, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। जी हाँ, रामचरण का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ फिल्में ही नहीं है, बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट्स, फिल्म प्रोडक्शन और फैमिली बिजनेस भी है। दरअसल रामचरण की मंथली कमाई अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ की है। जी हाँ, सही सुना आपने, हिल तो नहीं है आपके आस पास सब कुछ या फिर आपका दिमाग। रामचरण की वाइफ उपासना भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स अपोलो की चेयरमैन है और वो उनके बिजनेस वेंचर के पीछे की मास्टरमाइंड भी है। साथ ही साथ रामचरण ओन करते हैं काफी सारे गेस्ट हाउसेस हैदराबाद में और उसी के साथ साथ काफी सारे फार्म हाउसेस हैदराबाद से बाहर भी। खैर, रामचरण की लाइफ के बारे में जान के तो यही लगता है कि रामचरण की लाइफ तो सेट है बॉस। चलिए, आज के इस वीडियो में हमने बात की रामचरण की, ओलिविया मॉरिस की और साथ ही साथ श्रिया सरन की भी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक RRR के फिल्म मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो वो भी हो जाएगा। आपको तो पता ही है कि आपको और हमें करना है बस थोड़ा सा इंतजार और सब कुछ आ ही जाना है हमारे सामने। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। RRR में रामचरण और जूनियर NTR बनेंगे जानी दुश्मन। क्या RRR भी होगी सांस्कृतिक एपिक रामायण की स्टोरी? क्या रामचरण बिलीव करते हैं स्पिरिचुअल लिविंग में? RRR मूवी तो दो सुपर हीरोज के बीच की इमेजिनरी फ्रेंडशिप दर्शाती है और इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टंट सीक्वेंसेस दिखाई दिए थे और शायद सेम स्टंट सीक्वेंसेस हमें RRR में भी दिखाई दे सकते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे और वैसे स्टंट कहीं पे भी यूज नहीं हो पाए हैं। उसमें से मोस्टली स्टंट्स नए हैं और RRR में भी वो यूज होंगे, ऐसे चांसेस हैं। RRR में स्टंट्स के लिए बहुत हाइप और अप्रिसिएशन मिली है। वैसे भी जहाँ SS राजामौली जैसे डायरेक्टर हो वहाँ सब कुछ नया और हट के तो होना जरूरी ही है। RRR मूवी में रामचरण और जूनियर NTR सुपर हीरोज होते हैं और वो इंपीरियल पुलिस ऑफिसर होते हैं जो पहले एनिमीज होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
RRR का प्लॉट एंशिएंट सांस्कृतिक एपिक रामायण से रिलेटेड होता है और ये मूवी थोड़ी रियल लाइफ पर बेस्ड भी होती है। वैसे ही हमें ये देखना होगा कि क्या RRRR में भी रामायण की स्टोरी ही होगी और क्या RRRR रियल लाइफ पर बेस्ड होगी या नहीं, क्योंकि राजा मौली कब क्या सोचेंगे ये समझ पाना सिर्फ राजा मौली के लिए ही पॉसिबल है। इस मूवी के हैंडसम हंक रामचरण के बारे में अगर हम आपको एक बात बताएं तो वो 41 दिन के लंबे व्रत का हिस्सा बनते हैं जिसे अयप्पा दीक्षा कहा जाता है, जो सबरीमाला केरला में साल में एक बार किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस 2008 से शुरू की। आपको बता दें कि रामचरण के लिए स्पिरिचुअल लिविंग डिट्रेस के लिए डिटॉक्स है। वो स्पिरिचुअल लिविंग में बहुत बिलीव करते हैं, वो इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास रखते हैं, वो हेल्दी एंड सिंपल फूड कंज्यूम करते हैं और इनर पीस मेंटेन करते हैं चाओटिक शूटिंग शेड्यूल्स में। उन्होंने बोला कि उनके फादर यानी कि मेगास्टार चिरंजीवी उन्हें इंस्पायर किया करते हैं दीक्षा फॉलो करने के लिए। मतलब फिल्म में कड़ी मेहनत करने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए स्टार्स किस तरह खुद पर काम करते हैं ये पता चलता है। वैसे ये सब रामचरण को RRR में भी काम आएगा, सही कहा ना? पर फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी तो होनी चाहिए। पर कुछ भी हो, हम सबको तो अब इंतज़ार रहेगा RRR का। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्या आप सबको भी लगता है कि RRR होगी रामायण से एपिक स्टोरी? क्या आप रामचरण और जूनियर NTR को सुपर हीरोज के रोल में देखना चाहते हैं? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, अब हम आपसे लेते हैं अलविदा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भीम और राम होंगे अलग? क्या फिल्म को मिला था ऑस्कर अवार्ड? क्या इस फिल्म में कोई नया एक्टर आने वाला है? जानेंगे हम ये सब इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं आपकी दोस्त और होस्ट हर्षिका। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों, हर जगह साउथ इंडस्ट्री ने अपना दबदबा बना लिया है, और जब से साउथ इंडस्ट्री को वो रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा है जो वो हमेशा से डिजर्व करते थे, उसके बाद तो बॉलीवुड का नामो निशान तक गायब हो चुका है। यानी कि बॉलीवुड को कोई पसंद ही नहीं कर रहा है जब से उन सब ने साउथ की एक्शन और एक्टिंग देखी है। सबको बस साउथ की ही फिल्में चाहिए, सबको बस साउथ के ही एक्टर्स चाहिए। तो आखिर ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? आखिर वो कौन सी फिल्म थी जिससे मिला साउथ इंडस्ट्री को वो रिकॉग्नाइजेशन? तो चलिए करते हैं उस पर भी बात। तो दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री को अपनी पहचान यानी कि वो रिकॉग्नाइजेशन इस सोसाइटी में एक फिल्म के बाद मिला था जिसके डायरेक्टर थे SS राजामौली। यानी कि SS राजामौली की फिल्म बाहुबली के बाद मिला साउथ इंडस्ट्री को वो रिकॉग्नाइजेशन। ये फिल्म आई थी 2015 में। इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, मानिए सारे रिकॉर्ड। टॉलीवुड के तो तोड़े ही थे, उसके साथ बॉलीवुड के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सारे फैंस पागल हो गए थे इस फिल्म को देख के, सिनेमैटिक ग्राफिक्स को देख के। और उसके बाद इस फिल्म ने अपनी ऑडियंस के लिए एक सस्पेंस क्वेश्चन छोड़ा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब मिलते मिलते आप लोगों को 2 साल हो गए थे। यानी कि 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग आई थी, उसके बाद 2017 में आई थी इसका सेकंड पार्ट, यानी कि इसका फाइनल पार्ट जिसमें आपको मिला था इसका जवाब। और जो फाइनल पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट से भी बड़ा सुपर डुपर हिट था। इस फिल्म को हॉलीवुड में भी प्रेस करा गया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म थी SS राजामौली का। यहीं से शुरू हुआ सफ़र हिट पे हिट फिल्में बनाने का। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अब इनकी तीसरी फिल्म पे बात, जिसका नाम है RRR। RRR के बारे में आपने बेशक सुना होगा क्योंकि इस फिल्म ने कम्पीट करा है बाहुबली को। SS राजामौली की इस फिल्म ने हर जगह से प्रेस कमाया है, टॉलीवुड, बॉलीवुड, पॉलीवुड, यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी। हॉलीवुड ने भी काफ़ी सारे लोगों ने इस फिल्म को प्रेस करा। इस फिल्म की कहानी थी दो लोगों के ऊपर, यानी कि दो क्रांतिकारियों के ऊपर, जो अपना सफ़र दिखाते हैं अपने घर से अलग होने का। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करा है उन्होंने और वो अभी भी कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में वो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, तो ये दिखाया था इस फिल्म में। इसके बाद इस फिल्म को इतना प्यार मिला ऑडियंस से कि अब ऑडियंस मानने लगी इसका सीक्वल। तो इसके डायरेक्टर ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये फिल्म बनेगी एक फ्रेंचाइजी। जी हाँ दोस्तों, एक इंटरव्यू में SS राजामौली के पिता, जो इस फिल्म के राइटर भी हैं, उनसे एक इंटरव्यू ही ने पूछा कब आएगी RRR का सीक्वल। तो उन्होंने बोला, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम RRR को एज फ्रेंचाइजी भी देखने वाले हैं। अब जब उन्होंने फिल्म की मार्केटिंग देख ली है और ऑडियंस का प्यार देख लिया है,
उसके बाद उन्होंने ये तय करा है कि फिल्म एक फ्रेंचाइजी होगी, यानी कि फिल्म के और पार्ट्स भी आएंगे। तो उसके लिए उन्हें थोड़ा और काम करना है। उन्होंने बोला, इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए, मगर मैं गारंटी देता हूँ कि ये फिल्म जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपको RRR का सीक्वल बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, मगर फैंस के मन में एक कन्फ्यूजन है, क्या RRR ने ऑस्कर अवार्ड जीता था? तो दोस्तों नहीं, RRR को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला था। तो आई होप आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। RRR को हॉलीवुड में काफ़ी प्रेस करा गया था, काफ़ी अच्छा माना गया था, ये हिट भी थी, मगर उसे ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। और एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या इसमें एक कौन एक्टर दिखने वाला है? तो दोस्तों इसके ऊपर अभी भी कुछ भी बोला नहीं गया है, ऑफिशियली कोई भी चीज़ अनाउंस नहीं हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर अभी भी इस पर काम कर रहे हैं, यानी कि प्री प्रोडक्शन चल रहा है अभी फिल्म का। अगर ऐसा कुछ होना होगा तो हमें उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगी, तब जाके मैं आपको वीडियो बना के आप तक ये सब पहुँचा ही दूँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। क्या वॉरियर्स और मार्शियल आर्ट मास्टर्स का दिखेगा एक्शन? हॉलीवुड मेलोड्रामा और कैरेक्टर ड्रामा सो रिलेटेड है RRR की स्टोरी। सो RRR मूवी को डायरेक्ट करेंगे SS राजामौली, जिन्होंने RRR को भी डायरेक्शन किया था और वो मूवी यूक्रेन में शूट हुई थी। यूक्रेन अभी बहुत ही डिफिकल्ट क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसे कि बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी हैं, कर्फ्यूज लगे हुए हैं, शेलिंग स्क्रम्बल हो चुकी है। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले यूक्रेन बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन देश था, जिसमें बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स थे, सिटी स्पेस थे। RRR में हमें बहुत अच्छी अच्छी ग्लिम्स देखने को मिली, यानी कि बहुत अच्छे शॉट्स देखने को मिले थे यूक्रेन से, वहाँ की ऊंचे लंबे टावर्स, बिल्डिंग्स और खूबसूरत सिटी स्पेस हमें देखने को मिले थे। तो अभी यूक्रेन में RRR शूट होगी या नहीं, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, बिकॉज एक्चुअली अभी भी वहाँ पर सिचुएशन कूल नहीं हुई है, अभी भी डेंजरस एनवायरनमेंट ही है वहाँ पर, हमेशा कर्फ्यूज एंड ऑल होते ही होते हैं। सो ये बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए आपको बता पाना कि क्या RRR की भी शूटिंग यूक्रेन में होगी या नहीं। RRR मूवी का सेट हिस्टोरिकल 1920s का सेट हो सकता है, जैसे कि RRR थी, जिसमें स्टोरी ब्रिटिश कॉलोनियल ऑक्यूपेशन एक एपिक स्टोरी पर बेस्ड थी। 1920s पर ही इस स्टोरी में ब्रिटिश गवर्नर एक लड़की को किडनैप करते हैं गांव से, और दो महान आदमी रामराजू और कुमारम भीम एक दूसरे से मिलते हैं। एक्चुअली डेस्टिनी उन्हें मिलाती है एक फाइट में, जहां उन्हें नेशन के लिए कॉलोनियल पावर के ऊपर फाइट करना होता है। ये तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि NTR और रामचरण कंटेम्प्रेरी इंडियन सिनेमा के बहुत बड़े स्टार्स हैं। तो मेकर्स ने सोचा था ये मैसिव मूवी होगी, जैसा कि RRR थी, उसमें वो दोनों भी, यानी कि RRR में NTR और रामचरण को मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स और एज अ वॉरियर सुपर हीरोज दिखाया गया था। वो ऐसे वॉरियर्स हैं जो कि सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ के साथ भी बैटल करते हैं, और उनमें ऐसी एनर्जी दिखाई गई है जिसमें वो सिंगल हैंडली रेसलिंग कर सकते हैं, वो भी 200 आदमियों के साथ। ये ऐसे सब तो मेकर्स ने RRR के लिए सोचा था और एग्जीक्यूट भी किया। तो वैसे ही मेकर्स RRR के लिए भी सेम सोच सकते हैं, बिकॉज ये एक्चुअल में बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ था, और इसकी वजह से एक्शन सीन्स भी काफ़ी अमेजिंग हुए थे बैटलफील्ड पर, जब वॉरियर्स और मार्शल आर्ट मास्टर्स का ऑडियंस को एक्शन दिखा। RRR की राइटिंग एक्चुअली परफेक्टली ओल्ड स्कूल हॉलीवुड मेलोड्रामा और कैरेक्टर ड्रामा के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि कॉन्ट्रास्ट आइडियोलॉजीज और पर्सनैलिटीज होंगी, जिसमें दो आदमियों में बहुत फर्क है और वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर आखिरकार बाद में वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, जहाँ उनकी एबिलिटीज एक जैसी होती है और वो सेम वैल्यूज शेयर करते हैं। ये सब कुछ हम RRR में भी देख सकते हैं, बिकॉज स्टोरी कुछ इस तरह ही हो सकती है, और हॉलीवुड मेलोड्रामा उसमें और चार चांद लगा देते हैं। क्या हो सकती है RRR 2 की स्टोरी? क्या बन सकती है RRR 2? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियो। मैं पूजा मोड़े आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ RRR 2 फिल्म से जुड़े कुछ गर्मा गर्म बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको भी पता चले कि आखिर फिल्मी दुनिया में पद क्या रहा है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म RRR की जितनी तारीफ करो उतनी कम ही लगती है।
फिल्म में कई धमाकेदार सीन्स देखने को मिले और उन सीन्स में एंटी रामा और रामचरण को देख के फैंस के तो मानो होश उड़ गए थे। इस फिल्म ने फर्स्ट डे पर ही बॉलीवुड के कई मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इसीलिए ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट साबित हुई है। इस फिल्म की स्टोरी का तो क्या ही कहना, फिल्म की स्टोरी देशभक्ति पर आधारित थी जिसकी वजह से ये फिल्म ने सीधा फैंस के दिलों पर असर किया और फैंस की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई। इस फिल्म का टोटल बजट 550 करोड़ था जिसकी वजह से ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज के लिस्ट में शामिल हो जाती है। इस फिल्म में हमें सिर्फ एंटी रामा और रामचरण नहीं बल्कि अजय देवगन और आलिया भट्ट भी देखने को मिले जिसकी वजह से हमारा बॉलीवुड का क्राउड भी फिल्म की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब भाई अगर RRR ही इतनी सुपर डुपर हिट रही तो अगर इस फिल्म का सीक्वल आ गया तो फैंस में कितना क्रेज देखने को मिलेगा। वेल आपको बता दें कि एंटी रामा ने तो SS राजामौली डायरेक्टर से रिक्वेस्ट भी की है कि इस फिल्म का जल्दी से जल्दी सीक्वल बनाया जाए। आपको बता दें कि फिल्म के राइटर जो कि SS राजामौली के फादर है उन्होंने हाल ही में कहा है कि वे फिल्म के सीक्वल को लेकर कुछ आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं और इससे ये साफ पता चलता है कि हमें RRR 2 देखने को मिलने वाली है। सुनने में तो ये भी आया है कि RRR 2 में हमें एंटी रामा और रामचरण के कैरेक्टर्स अदला बदली होते दिख सकते हैं। जैसे कि RRR में उन्होंने इंडिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया था वैसे ही आउट ऑफ इंडिया वो फाइट करते नजर आ सकते हैं। वैसे बस देखना ये है कि आने वाले RRR 2 में हमें कौन सी फीमेल लीड देखने को मिल सकती है। ये तो आने वाले कुछ दिनों में हमें पता ही लग जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हो सकती है RRR 2 की स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलिए जल्दी मिलते हैं और नए गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। RRR की तरह इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स होंगे R4 में भी? क्या रामचरण करेंगे खुद को ट्रांसफॉर्म? क्या एक्टर सामूथी रखानी दिखेंगे R4 में? हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट YouTube चैनल बॉलीग्रेस स्टूडियोज। मैं हूं आपके साथ अंशिका वर्मा, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। R4 एक फिक्शनल एक्शन और हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड मूवी होगी क्योंकि RRR वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है जिसके गाने और जिसके ट्रेलर ने बहुत बस क्रिएट किया था सभी जगह। आपको तो पता ही होगा कि 400 करोड़ में बनी RRR, तो अब हमें देखना होगा कि R4 का कितना बजट होगा। RRR में जूनियर NTR ने कोमल आमा भीमा का रोल निभाया था जो गॉड ट्रैवल लीडर होते हैं तेलंगाना के, जिन्होंने हैदराबाद के नसीम के अगेंस्ट बहुत फाइट किया होता है। वो लड़े थे अपने स्टेट हैदराबाद के लिए और उन्होंने इस रोल के लिए 45 करोड़ चार्ज किए थे। लेकिन अभी RRR इतनी फेमस हुई है तो यकीनन जब R4 बनेगी तो वो और ज्यादा चार्ज करेंगे। रामचरण ने अलौरी सीतारमन राजू का रोल प्ले किया था जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ फाइट किया था। वो ट्राइबल लीडर और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे आंध्र प्रदेश के। जूनियर NTR की तरह ही रामचरण ने भी इस मूवी के लिए 45 करोड़ चार्ज किए थे क्योंकि जितना रोल जूनियर NTR का था उतना ही रोल रामचरण का भी था। तो अभी हमें देखना होगा कि ये दोनों R4 के लिए इससे भी ज्यादा फीस चार्ज करेंगे या नहीं। RRR मूवी एक्शन में तेलुगु फ्रीडम फाइटर से इंस्पायर्ड है जैसे अलौरी सीतारमन राजू और कोमल आमा भीमा। RRR मूवी एक्चुअली में ऑलराउंडर थी जिसे डायरेक्टर राजामौली ने डायरेक्ट किया था जिसमें सारे इमोशंस थे और सारे थीम्स थे जैसे कि रिलेशनशिप, फैमिली, लव, लॉस, सॉरो एंड हैप्पीनेस। तो अगर R4 बनने जा रही है तो ऐसी ही ऑलराउंडर होगी वो भी क्योंकि RRR से ही जुड़ी होगी R4 भी। लेकिन बाद में उन फ्रीडम फाइटर्स के साथ क्या हुआ ये तो पता ही नहीं चला। जब वो अपने घर से दूर थे तो शायद R4 में ये दिखाया जा सकता है। जूनियर NTR और रामचरण RRR की सक्सेस से बहुत ज्यादा खुश हैं और अब R4 का ही इंतजार है। रामचरण ने खुद को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया RRR के लिए, उन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया और उन्होंने वहाँ 3 फेजेस को पोर्ट्रे किया था, तो इसके लिए उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया काफी ज्यादा फिजिकली, मेंटली और विजुअली भी। रामचरण हमें अलग अलग कैचअप में नजर आए तो वही सीन टू सीन उनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें नजर आई। हर शॉट में रामचरण अलग अलग शॉट में दिखाई दिए हैं अपने यूनिक स्टाइलिंग और अपने अलग अलग फिजिकल लुक्स के साथ।
उसके लिए उन्हें एक्टर के ह्यूज मेकओवर से गुजरना पड़ा और RRR में उन्होंने एक्सोटिक लुक्स पोर्ट्रे किए हैं। R4 में भी रामचरण के ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि RRR में उनके अलग अलग लुक्स दिखाए गए हैं, तो वही R4 में भी उनके अलग अलग शॉट के लिए अलग अलग लुक्स दिखाए जाएंगे। क्या आपको पता है कि RRR के लिए एक्टर सामूथी रखानी को डायरेक्टर SS राजामौली ने एक दिन कॉल करके एक रोल ऑफर किया था। सामूथी रखानी ने कहा था कि उन्हें नरेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी डायरेक्टर राजामौली ने उन्हें नरेट किया था। सामूथी रखानी ने RRR में वेंकटेश वरुलू नाम का किरदार निभाया था। वो दोनों हीरोज के सेंटर थे और उस मूवी में उन्हें 20 से 25 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला था, लेकिन R4 में हमें देखना होगा कि उन्हें उतना ही स्क्रीन टाइम मिलता है या नहीं, या फिर वो इस फिल्म का हिस्सा बनते भी है या नहीं। अगर हुए तो वो कैमियो अपीयरेंस में मोस्ट प्रोबेबली नजर आ सकते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि सामूथी रखानी नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुके हैं? कि राजामौली रियल स्टोरी में बनी फिल्मों से किससे हाथ मिलाना चाहते हैं राजामौली RRR के लिए? कौन है रॉबर्ट टॉम्स? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। राजामौली आज के समय में हर जगह छाए हुए हैं और हर तरफ बस उन्हीं की बातें हो रही हैं, जिसकी एक ही वजह है, वो है एक के बाद एक हिट फिल्में देना। उनकी 2022 में आई फिल्म RRR जिसकी रिकॉर्ड कमाई की तुलना दूसरी बड़ी फिल्मों से की जा रही है और अब फैंस इसके सीक्वल की डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए राजामौली ने हामी भर दी है। इस बार वैसे तो फिल्म की कहानी ऐतिहासिक वीरों रामालू राज और कोडरमा भीम के ऊपर बनी थी और फिल्म के जरिए हमें दो वीरों के बारे में पता चला था, पर राजामौली पहले ही क्लियर कर चुके थे कि फिल्म की कहानी असली वीरों के जीवन में क्या हुआ था उसको नहीं दर्शाती है, पर इस फिल्म को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ऐसे में राजामौली इसके दूसरे पार्ट के लिए एक फिक्शन कहानी की तलाश में है, जहां उनकी कहानी इंडिपेंडेंट होगी और फिल्म की कहानी को वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी हाल ही में आई फिल्म शमशेरा से राजामौली काफी प्रभावित हुए हैं और उन्हें इसी फिल्म से ऐसा आइडिया आया है, पर फिलहाल ऐसा करने के लिए उन्होंने हामी नहीं भरी है, क्योंकि उनके पिता इसके दूसरे पार्ट की स्टोरी में काम करने वाले हैं। वे दोनों शमशेरा जैसा कॉन्सेप्ट लाने पर विचार कर सकते हैं। हमें खबर में ये भी सुनने को मिला है कि अजय ने भी अलग अलग राज्यों के फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर फिल्म बनाने का काम शुरू किया है, जिसमें उनके फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर सीरीज की पहली फिल्म है, जिससे हाल ही में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है। और अजय भी इस सीरीज की दूसरी फिल्म के लिए नई कहानी और नए फ्रीडम फाइटर की तलाश में है। ऐसे में राजामौली और अजय RRR के लिए हाथ मिला सकते हैं। जी हाँ, और अगर बात करें फिल्म RRR की, तो इस फिल्म से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी अभी सामने आई है। जी हाँ, जिसमें ब्रिटिश प्रोफेसर रॉबर्ट टॉम्स, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उन्होंने इस फिल्म की कड़े शब्दों में निंदा की है। जी हाँ, और फिल्म की हुई पब्लिसिटी से ज्यादा वे खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्म में ब्रिटिशर्स को जैसे अत्याचार करते हुए फिल्म में दिखाया गया है, वैसा वास्तविकता में कभी हुआ ही नहीं और फिल्म में सारे दृश्यों को फालतू और बेफुजूल बताया गया है। उनका ये भी कहना है कि हमने पिछली कुछ शताब्दियों में दुनिया में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इतने सालों में हमें कई नए दोस्त भी मिले और हमने नए दुश्मन भी बनाए हैं। ऐसे में कई देश हमें खलनायक की भूमिका में दिखाकर अपनी झूठी वीरता की मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसे दिखाते हैं। उनके अनुसार RRR हिंसक हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, जो भारतीय संस्कृति और राजनीति पर हावी होती जा रही है और भारत की मौजूदा सरकार उसको हवा देती है। इसी कारण RRR फिल्म इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताती है और साथ ही वे सिंथेटिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। नेटफ्लिक्स इस फिल्म को बढ़ावा दे रही है, जो कि काफी शर्म की बात है। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में काफी गर्मा गर्मी हो गई और उन्हें काफी खरी खोटी सुना दी गई। जी हाँ, और एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि यदि ब्रिटिशर्स के पूरे अत्याचार को फिल्म में दिखा दिया जाता तो तुम शर्म से झुक जाते। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो?
इस वीडियो को आप अपने कमेंट से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही लाइक और शेयर भी आपको करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मूवी से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और हाँ, बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। हाथ मिलाना चाहता है राजा बॉली से। कहाँ दोबारा रिलीज हो रही है RRR? क्या है फिल्म का प्लॉट? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। राइज, रॉर, रिवॉल्ट, तीन शब्दों से फिल्म की कहानी बनी फिल्म RRR अभी तक लोगों की जुबान पर बसी हुई है। राम और जूनियर NTR की जोड़ी को लोगों का काफी प्यार मिला, और इस फिल्म को रिलीज हुए 3 महीने हो गए हैं, पर फिर भी ये फिल्म किसी न किसी तरह अभी भी चर्चाओं में बनी हुई है। फिल्म की पॉपुलरिटी को देखते हुए इस फिल्म को अमेरिका में दोबारा रिलीज किया गया है। जी हाँ, आगे आपको बता दें कि इस फिल्म में राम का एक सीन था जिसमें राम हजारों की भीड़ के बीच अकेले ही लड़ते हुए दिखे थे, और एक पंजाबी लड़के को ब्रिटिशर्स की पुलिस चौकी में घसीट कर लेकर आते हैं, और उस सीन को शूट करने राम को 1 से 2 नहीं बल्कि पूरे 32 दिनों का समय लग गया, जिससे फिल्म का बजट भी काफी बढ़ गया था और वो 16 करोड़ तक पहुँच गया था। अब खबर ये है कि RRR की सफलता के बाद रुशो ब्रदर्स ने राजमौली के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है, और वे चाहते हैं कि राजमौली के साथ एक फिल्म बनाए। उन्होंने हाल ही में साउथ इंडस्ट्री के हीरो धनुष के साथ फिल्म द ग्रे मैन बनाई है, और उनके काम से प्रभावित होकर वे धनुष के साथ एक फिल्म और करना चाहते हैं। ऐसे में भी RRR के लिए राजमौली के पास एक विकल्प ये भी है कि वो रोशो ब्रदर्स के साथ काम कर सके। इससे फिल्म का बजट का खर्चा आधा हो जाएगा, और फिल्म के लिए और अच्छे आइडियाज भी राजमौली को मिल सकते हैं। बात अगर करें RRR की, तो इस बार फिल्म के प्लॉट में कोडरमा और जैनी की शादी हो जाएगी, और जैनी भी एक बच्चे को जन्म देगी। इस बार भीमा का किरदार फिल्म के सेकेंड हाफ से शुरू होगा, पहले हाफ में वे अपनी पर्सनल लाइफ में ही व्यस्त रहेंगे। फिल्म का पहला हाफ राम के किरदार पर ज्यादा फोकस करेगा। वैसे तो ये फिल्म एक पैट्रियोटिक फिल्म है, इसकी कहानी काफी लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि ऐसे फिल्मों को दिखाने के लिए कंटेंट तो बहुत है, पर उसे 3 घंटे में दिखाना असंभव सा है। ऐसे में इस बार एक और किरदार की होने वाली है एंट्री, जो राजमौली को 3 किरदारों की कहानी को लेकर चलना होगा, तो उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी रहेगी कि फिल्म के प्लॉट को वे कैसे डिजाइन करते हैं और हर पात्र की कहानी का कितना हिस्सा फिल्म में दिखाते हैं। वैसे तो फिल्म इस बार 4 भाषाओं में डब किया गया है, पर अब RRR को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जिसमें फिल्म को इंग्लिश भाषा में भी डब किया जा सकता है। ऐसे में फिल्म के इंग्लिश डायलॉग के लिए कौन देने वाला है अपनी आवाज, उसके लिए अभी खोज जारी है। क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से होगा या विदेश का कोई कलाकार आके फिल्म में अपनी आवाज देगा, इस पर बात फिलहाल अभी हो रही है, जिसकी अभी कोई खबर पक्की नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मूवी से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। करेंगे NTR और रामचरण, क्या होगी फिल्म की स्टोरी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। मैं पूजा मोरे आप सभी का स्वागत करती हूँ, और आपके लिए लेकर आई हूँ RRR 2 फिल्म से जुड़े कुछ गर्मा गर्म गॉसिप। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको भी पता चले कि आखिर फिल्मी दुनिया में पक क्या रहा है। अब मुझे बताओ, इतना क्रिएटिव कौन होता है भला? अरे नहीं नहीं, मैं बात बॉलीवुड की नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ साउथ इंडस्ट्री की, जो कि हैशटैग करंटली ट्रेंडिंग में है। अब आप बोलेंगे कि कैसी लड़की है बॉलीवुड के मूवीज को ही क्रिटिसाइज कर रही है। तो क्या करें अगर बॉलीवुड वाले साउथ इंडस्ट्री की सारी फिल्मों के बस रीमेक पे रीमेक ही बनाते जा रहे हैं, तो ऑडियंस तो नाराज होनी ही है। अब छोड़ो भी, हमें क्या ही टेंशन है, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री वाले हर एक मूवी को अवेलेबल कर रहे हैं हिंदी में। अब बात करें RRR मूवी की, तो मूवी ब्लॉकबस्टर तो थी ही। NTR और रामचरण के फैंस ने तो फिल्म को बहुत एंजॉय किया, मगर उसके साथ ही आलिया भट्ट और अजय देवगन को देखने के बाद बॉलीवुड की ऑडियंस भी अट्रैक्ट हो गई। RRR फिल्म में कोई भी सवाल नहीं छूटा है, फिल्म को पूरा प्रॉपर एंड देकर ही खत्म किया गया। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस फिल्म का सीक्वल आ सकता है?
लेकिन 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 इस फिल्म का सीक्वल सच में आने वाला है। जब इस फिल्म को बनाया जा रहा था तभी इस फिल्म का सीक्वल भी कंफर्म हो चुका था, बस ये चीज ऑडियंस को नहीं पता लगने दी मेकर्स ने। पहले ऑडियंस को चैप्टर वन दे दिया एंजॉय करने के लिए। हाल ही के इंटरव्यू में SS राजा माउली के फादर जो कि फिल्म के राइटर है उन्होंने कंफर्म किया है कि फिल्म का सीक्वल आ सकता है। अरे ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फिल्म को अभी बहुत टाइम है। दरअसल फिल्म के जो डायरेक्टर है SS राजा माउली वो बहुत ही बिजी है अपनी अगली फिल्म को लेकर जो कि उनकी होने वाली है महेश बाबू के साथ। उसके बाद शायद वो RRR के सीक्वल के बारे में सोचेंगे। जैसे कि हमने फिल्म में देखा रामचरण फायर की तरह गुस्सेल होते हैं और NTR पानी की तरह शांत और गहरे होते हैं। वो कहते हैं ना जो दोस्त हमें पसंद आता है वो दोस्त की जो आदतें रहती है वो हम अपनाने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये दोनों भी दोस्त एक दूसरे की आदतें अपनाने वाले हैं और अपने कैरेक्टर्स अदला बदली करने वाले हैं। वैसे कि आपने कभी सोचा था कि इस फिल्म का सीक्वल भी आएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। क्या राजा मौली है मोस्ट हाइप डायरेक्टर? क्या KK सेंथिल कुमार करेंगे सिनेमेटोग्राफी? क्या कंट्री के लिए रामचरण और जूनियर NTR करेंगे फाइट? जब भी आप बड़ी बड़ी मूवीज बना रहे हो, एज इन लार्जर देन लाइफ साइज मूवीज बना रहे हो, जैसे कि साउदर्न मूवीज में होता ही है, तो साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री के लोग हीरोइज्म पर बिलीव करते हैं और हाँ हम भी करते हैं। जब भी आप थिएटर से बाहर आते हो तो आपको हीरोइज्म ही याद रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज़्यादा हीरोइज्म वाली मूवीज नहीं बनती है, अगर बनी भी है तो केवल एक या दो ही बनती है। तो यस, ये मूवी साउदर्न इंडस्ट्री के एक्टर्स के साथ बनाई हुई है, सो इस मूवी में भी ऑब्वियसली हीरोइज्म दिखेगा जैसा कि हमें साउदर्न इंडस्ट्री में देखने को मिलता ही है। वैसे बहुत कुछ है साउदर्न इंडस्ट्री से सीखने लायक और इस मूवी के डायरेक्टर तो हैं SS राजा मौली, जिनसे कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स को। राजा मौली वन ऑफ द मोस्ट हाइप डायरेक्टर हैं। वो एक पर्टिकुलर रूल और स्टाइल मैकेनिकली फॉलो करती हैं जो इंडियन ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट करती है, और इतना ही नहीं वो पैन इंडिया फिल्म्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज करते हैं जिसे कल्चर बैरियर भी ब्रेक होता है। वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे सुनने में आया है कि KK सेंथिल कुमार करेंगे RRR की भी सिनेमेटोग्राफी, बिकॉज वो कहते हैं ना कि राजा मौली हर एक मूवी के बाद अपनी बाउंड्रीज को पुश करते नजर आ रहे हैं और वो खुश हैं कि वो भी उनके इन एफर्ट्स का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले हैं। दोनों एक साथ काम कर चुके हैं अपनी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी और नए नए टेक्नोलॉजीज को यूज करके बिग स्क्रीन पर एक विजन तैयार करते आए हैं। RRR में भी उन्होंने रिच डिटेलिंग की है और बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस डाले हैं बिकॉज वो फिक्शनल एक्शन मूवी थी और इस मूवी के लिए प्री इंडिपेंडेंस एरा का सेट खड़ा किया गया था। तो अभी हमें देखना होगा कि क्या RRR में भी प्री इंडिपेंडेंस दिखाया जाएगा सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर के क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के जरिए। वैसे सिनेमेटोग्राफर KK सेंथिल कुमार की एक ही इच्छा होती है कि वो भी हर मूवी में अपने इमोशंस को परफेक्टली कैच कर पाए, उन्हें पोर्ट्रे कर पाए। RRR मूवी में कुछ सीन्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि रामराजू और कोरामा भीमा का इंट्रोडक्शन पार्ट, मीटिंग ऑन ब्रिज और जो क्लाइमेक्स वाली फाइट थी जो बहुत इंटेंस थी, उसके लिए सबको बहुत प्लानिंग करनी पड़ी थी सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से। तो यस, अभी हमें देखना होगा कि RRR में कौन से सीन्स के लिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाएंगे सेंथिल कुमार। जैसे हमने आपको बताया वैसे ये मूवी एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंस एरा पर डिपेंड है बिकॉज RRR भी उसी पे डिपेंडेंट थी, तो उसका संबंध ऑब्वियसली कंट्री से आएगा ही। रामचरण और जूनियर NTR अलग अलग स्टेट से हैं और वो दोनों झगड़ रहे हैं या यही उनका पैशन RRR में दिखेगा बिकॉज दोनों भी सुपरस्टार सुपर हीरो फ्रीडम फाइटर्स होंगे जैसे कि वो RRR में थे। पर अभी हमें ये देखना होगा कि RRR 1920s के प्री इंडिपेंडेंस एरा से भी बिलोंग करेगी या नहीं। तो चलिए आज के लिए प्लान होने वाला है ब्रिटिशर्स का। कैसे फंसेंगे राम और भीमा ब्रिटिशर्स के ट्रैप में? कब शुरू होगा फिल्म का काम? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। राजा मौली आज के समय में हर जगह छाए हुए हैं और हर तरफ बस उन्हीं की बातें हो रही हैं, जिसकी एक ही वजह है और वो है एक के बाद एक हिट फिल्में देना
उनकी 2022 में आई फिल्म ट्रिपल आर ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और उनकी तुलना दूसरी बड़ी फिल्मों से की जा रही है। अब फैंस इसके सीक्वल की डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए राजामौली ने हामी भर दी है। बात करें फिल्म के प्लॉट की तो फिलहाल ये फिल्म ठंडे बस्ते में पड़ गई है अगले साल तक के लिए, जिसके बारे में फिलहाल कुछ भी जिक्र नहीं होने वाला है। इस फिल्म के काम की शुरुआत 2024 में होगी, चूंकि विजेंद्र ने इस फिल्म को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके लिए उनके पास एक स्टोरी भी है जिसका खुलासा हो चुका है। दिल्ली में गवर्नर स्कॉट को मारने के बाद राम और भीमा का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। राम का गांव देश का पहला गांव बन जाता है जहां ब्रिटिशर्स की हुकूमत नहीं चलती। कुछ समय के लिए वो गांव स्वतंत्र रूप से चलता है जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी नियम लागू नहीं होता। राम के गांव के साथ साथ पूरे शहर के लिए ये नियम लागू हो जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें जेब खर्चे के लिए हर महीने कुछ पैसे भी दिया करती थी। ये नियम तब तक चलता रहता है जब तक नया गवर्नर अपॉइंट नहीं होता। पर जनरल स्कॉट की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स काफी दुविधा में थे। अब किसे वहां की जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि जनरल स्कॉट काफी एक्सपीरियंस और ताकतवर जनरल थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स एक खतरनाक प्लान बनाते हैं जिससे राम और भीमा दोनों पर काबू पाया जा सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इंडियन नेता को दिल्ली सरकार का मुखिया बना देते हैं ताकि जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाए। ब्रिटिश इंडियंस को भी बराबरी का मौका देना चाहते हैं। अब वो इंडियंस को कभी नहीं दबाएंगे और साथ मिलकर काम करेंगे जिससे इंडियंस को ब्रिटिशर्स के ऊपर भरोसा हो जाए। ऐसा करने के पीछे ब्रिटिशर्स के काले इरादे का पता भारतीयों को नहीं होता। वो दिल्ली सरकार में जिस भारतीय नेता को गद्दी पे बिठाते हैं वो बस एक कठपुतली नेता होता है जिसके पास कोई पावर नहीं होती। ब्रिटिशर्स सारा कंट्रोल इंग्लैंड से ही करते हैं और सारे ऑर्डर्स उसे मानने होते हैं, क्योंकि उस नेता की पूरी फैमिली को ब्रिटिशर्स अपनी हिरासत में रखते हैं ताकि नेता से सारे गलत ऑर्डर पास करवाए जा सकें। ऐसा करने के पीछे बस एक ही मकसद होता है कि भीमा और राम उनकी गिरफ्त में कैसे भी आ जाएं। भीमा उस नेता पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। तो आने वाली R4 की कहानी कुछ इस प्रकार की होगी। तो दोस्तों, क्या आप भी R4 के लिए एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या भीम और राम होंगे अलग? क्या फिल्म को मिला था ऑस्कर अवार्ड? क्या इस फिल्म में कोई नया एक्टर आने वाला है? जानेंगे हम ये सब इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं आपकी दोस्त और होस्ट हर्षिका। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों, हर जगह साउथ इंडस्ट्री ने अपना दबदबा बना लिया है, और जब से साउथ इंडस्ट्री को वो रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा है जो वो हमेशा से डिजर्व करते हैं, उसके बाद तो बॉलीवुड का नाम और निशान तक गायब हो चुका है। यानी कि बॉलीवुड को कोई पसंद ही नहीं कर रहा है जब से उन सब ने साउथ की एक्शन और एक्टिंग देखी है। सबको बस साउथ की ही फिल्में चाहिए, सबको बस साउथ के ही एक्टर्स चाहिए। तो आखिर ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? आखिर वो कौन सी फिल्म थी जिससे मिला साउथ इंडस्ट्री को वो रिकॉग्नाइजेशन? तो चलिए करते हैं उस पर भी बात। तो दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री को अपनी पहचान यानी कि वो रिकॉग्नाइजेशन इस सोसाइटी में एक फिल्म के बाद मिला था, जिसके डायरेक्टर थे SS राजामौली। यानी कि SS राजामौली की फिल्म बाहुबली के बाद मिला साउथ इंडस्ट्री को वो रिकॉग्नाइजेशन। ये फिल्म आई थी 2015 में। इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, मानिए सारे रिकॉर्ड, टॉलीवुड के तो तोड़े ही थे, उसके साथ बॉलीवुड के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सारे फैंस पागल हो गए थे इस फिल्म को देख के, सिनेमैटिक ग्राफिक्स को देख के। और उसके बाद इस फिल्म ने अपनी ऑडियंस के लिए एक सस्पेंस क्वेश्चन छोड़ा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब मिलते मिलते आप लोगों को 2 साल हो गए थे, यानी कि 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग आई थी, उसके बाद 2017 में आई थी इसका सेकेंड पार्ट, यानी कि इसका फाइनल पार्ट, जिसमें आपको मिला था इसका जवाब। और जो फाइनल पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट से भी बड़ा सुपर डुपर हिट था। इस फिल्म को हॉलीवुड में भी प्रेस करा गया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म थी SS राजामौली का। यहीं से शुरू हुआ सफ़र हिट पे हिट फिल्में बनाने का। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अब इनकी तीसरी फिल्म पे बात, जिसका नाम है RRR। RRR के बारे में आपने बेशक सुना होगा, क्योंकि इस फिल्म ने कम्पीट करा है बाहुबली को। SS राजामौली की इस फिल्म ने हर जगह से प्रेस कमाया है, टॉलीवुड, बॉलीवुड, पॉलीवुड, यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी। हॉलीवुड ने भी काफ़ी सारे लोगों ने इस फिल्म को प्रेस करा। इस फिल्म की कहानी थी दो लोगों के ऊपर, यानी कि दो क्रांतिकारियों के ऊपर, जो अपना सफ़र दिखाते हैं अपने घर से अलग होने का। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करा है उन्होंने, और वो अभी भी कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में वो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, तो ये दिखाया था इस फिल्म में। इसके बाद इस फिल्म को इतना प्यार मिला ऑडियंस से कि अब ऑडियंस मानने लगी इसका सीक्वल। तो इसके डायरेक्टर ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये फिल्म बनेगी एक फ्रेंचाइजी।
जी हाँ दोस्तों, एक इंटरव्यू में एसएस राजामौली के पिता जो इस फिल्म के राइटर भी हैं, उनसे एक इंटरव्यूई ने पूछा कब आएगी ट्रिपल आर का सीक्वल। तो उन्होंने बोला, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ट्रिपल आर को एज फ्रेंचाइजी भी देखने वाले हैं। जब उन्होंने फिल्म की मार्केटिंग देख ली है और ऑडियंस का प्यार देख लिया है, उसके बाद उन्होंने ये तय करा है कि फिल्म एक फ्रेंचाइजी होगी, यानी कि फिल्म के और पार्ट्स भी आएंगे। तो उसके लिए उन्हें थोड़ा और काम करना है। उन्होंने बोला, इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए, मगर मैं गारंटी देता हूँ कि ये फिल्म जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपको ट्रिपल आर का सीक्वल बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। मगर फैंस के मन में एक कन्फ्यूजन है, क्या ट्रिपल आर ने ऑस्कर अवार्ड जीता था? तो दोस्तों नहीं, ट्रिपल आर को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला था। तो आई होप आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। ट्रिपल आर को हॉलीवुड में काफ़ी प्रेस करा गया था, काफ़ी अच्छा माना गया था, ये हिट भी थी, मगर उसे ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। और एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या इसमें एक कौन एक्टर दिखने वाला है? तो दोस्तों, इसके ऊपर अभी भी कुछ भी बोला नहीं गया है, ऑफिशियली कोई भी चीज़ अनाउंस नहीं हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर अभी भी इस पर काम कर रहे हैं, यानी कि प्री प्रोडक्शन चल रहा है अभी फिल्म का। राम ने रमता आर में कौन है नरसिम्हा रेड्डी और क्यों डर रहे हैं गांव वाले क्रांति करने से? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। फिल्म RRR में अलौरी की मौत के बाद राम और भीम गांव वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में राम कहता है कि अभी हमें और हथियारों की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि रंपा क्रांति सक्सेसफुल हो या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने और लिखने का अधिकार मिले, तो हमें ब्रिटिशर्स को किसी भी हाल में यहाँ से हराकर भगाना होगा। तभी एक गाँव वाला उठता है और कहता है कि ये थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है, वो दिन ब दिन हमारे लोगों को मारते जा रहे हैं। ऐसे में भीम कहता है कि मार तो वो हमें वैसे भी देंगे, हमें बस मरने से पहले क्रांति लानी होगी, हमें मरने से पहले आज़ादी लेकर रहना होगा। तभी दूसरा गाँव वाला उठता है और कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो, अगर ऐसा करने से पहले उन्होंने हम सबको मार दिया तो? इसके जवाब में भीम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम सब डर रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों को पढ़ने और लिखने का अधिकार मिले? और तुम लोग होते कौन हो इस क्रांति को रोकने वाले? तभी राम उसे शांत कराता है और कहता है कि वो वक्त है जब हमें नरसिम्हा रेड्डी की तरह बनने की जरूरत है। तो आखिर कौन है नरसिम्हा रेड्डी, क्या है उसका रिश्ता इस सारी कहानी से? यही कहानी राम गांव वालों को भी सुनाता है। तो दोस्तों, वक्त है 26 नवंबर 1806 और गाँव है रूपनगुड्डी। ये गांव आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले में है, जहां नरसिम्हा रेड्डी का परिवार पॉलीगर परिवार से संबंधित है। नरसिम्हा रेड्डी के जीवन में काफ़ी सारे संघर्ष हुए, उनका पहला संघर्ष उनकी ज़िंदगी के लिए ही था। काफ़ी मशक्कत कर काफ़ी संघर्ष कर उनका जन्म हुआ था और वो मौत को हरा कर पैदा हुए थे, और इसी कारण गाँव वाले उन्हें प्रतिभाशील होने के साथ साथ देवीय शक्ति वाला व्यक्ति भी कहते थे। जब उनका जन्म हुआ तो भारत में ब्रिटिशर्स पनप रहे थे, और ये वो वक्त था जब ब्रिटिशर्स ने हैदराबाद राजवंश में कहा था कि हम भारत में आए तो कारोबार करने थे, लेकिन अपने युद्ध से और अपनी नीतियों से हमने भारत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि हमने मुगलों को भी हर जगह से उखाड़ फेंका है और अब वक्त है उत्तर भारत पर कब्जा करने का। ये वो वक्त था जब नरसिम्हा रेड्डी ये सब चीज़ें देख रहे थे। कहानी को रोक कर राम गांव वालों को बताते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो ना सिर्फ ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर बल्कि भारत के रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों पर भी कब्जा कर लिया था। वो भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। वो रोटवारी सिस्टम लेकर आए थे जिसमें वो किसानों के साथ साथ गरीब लोगों पर हावी होना चाहते थे। वो अपनी कूटनीतियों से अलग अलग राज्यों पर कब्जा करते जा रहे थे। तो ऐसे में गांव वाला पूछता है कि क्या इतनी प्रताड़ना के बाद कोई भी गांव वाला आवाज नहीं उठा रहा था, और अगर नहीं उठा रहा था तो क्यों नहीं उठा रहा था? तो राम उन्हें बताता है कि यही सेम सवाल नरसिम्हा रेड्डी ने अपने दादाजी से भी पूछा था,
उन्होंने पूछा था कि कोई गांव वाला आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। इस पर उनके दादा ने कहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास गन्स हैं, उनके पास वेपन्स हैं। अगर कोई भी विलेजर, कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो वो उन्हें मार देंगे। गांव वाले डरते हैं और इसीलिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में नरसिम्हा रेड्डी ने कहा था, तो फिर मैं आवाज उठाऊंगा। कैसे इन ब्रिटिशर्स की इतनी हिम्मत हुई कि बाहर से आकर कारोबार के नाम पर हमारे देश पर कब्जा कर लिया? कैसे ये हम पर हावी हो रहे हैं? तब दादाजी पूछते हैं कि क्या तुम आवाज उठा पाओगे? नरसिम्हा रेड्डी कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल आवाज उठा पाऊंगा। तो दादाजी कहते हैं कि वो हजारों में है। तो उस पर नरसिम्हा रेड्डी कहते हैं कि हजारों लाखों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग और वीर होने की जरूरत है, आपको साहसी होने की जरूरत है, और मैं ये कर रहूंगा। तो कुछ ऐसे थे हमारे नरसिम्हा रेड्डी और ये थी उनकी कहानी। तभी राम गांव वालों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई है नरसिम्हा रेड्डी, क्या कोई है जो आवाज उठाने को तैयार है? इस पर पूरे गाँव में सन्नाटा छा जाता है, कोई भी व्यक्ति बहुत देर के लिए कुछ नहीं बोलता। तभी एक 12-13 साल का लड़का अपना हाथ उठाता है और कहता है कि हाँ, मैं हूँ नरसिम्हा रेड्डी, मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। और उसे देखकर उसकी बहन और भाई और उसके माता पिता भी खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे कर पूरा गांव खड़ा हो जाता है और सब कहने लगते हैं कि हाँ, हम है नरसिम्हा रेड्डी और हम आवाज जरूर उठाएंगे, हम ब्रिटिशर्स को हमारे देश से बाहर निकाल कर रहेंगे। तो ऐसी कुछ कहानी होने वाली है RRRR की, यही सब क्रांति दिखाई जाएगी इस फिल्म में। इस फिल्म में जूनियर NTR के जुड़ने की बातें भी चल रही हैं। उनके अलावा और कौन से कैरेक्टर इस फिल्म से जुड़ेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियोस में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको करना ये है कि हमें बताना है कि आपको क्या लगता है फिल्म में और कौन से कैरेक्टर होने वाले हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते। RRR की कहानियाँ किस पर बेस थी? RRR में क्या खास होने वाला है? अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जरूर क्लिक करें और दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। अगर हम किसी से भी पूछें एपिक्स के बारे में तो वो हमें कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगा। हमने आज बहुत सारी एपिक की कहानियाँ सुनी, देखी, कुछ नाटक में दिखाया, कुछ लोगों ने इसे ब्लैक एंड व्हाइट में देखा, कुछ ने साइन लैंग्वेज में, कुछ ने कलर टीवी में, तो कुछ ने एनिमेटेड फॉर्म में। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि एपिक रामायणा की कहानी को एक नए फॉर्म में ढालना, उसे एक सही डायरेक्शन मिलना, सब चीज परफेक्ट होना और सब मिलकर एक ऐसी कहानी या फिल्म को बनाना जो आज तक की दुनिया भर की सभी फिल्म्स पर भारी पड़ी है, तो वो फिल्म है RRR। इस फिल्म ने लोगों में एक नया जज्बा, उम्मीद, उमंग, उत्साह, प्रेरणा को सामने लाया। इस फिल्म की पॉपुलैरिटी के बारे में आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि फिल्म के रिलीज की कुछ मंथ्स बाद इस फिल्म को 40 अदर लैंग्वेजेस में डब्ड किया गया। बैंकॉक में इस फिल्म की लाइव डबिंग भी की गई थी और ये पहली बार हुआ कि किसी फिल्म की लाइव डबिंग की गई हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टॉलीवुड और टॉलीवुड के एक्टर्स अभी बहुत ज़्यादा ही चर्चे में घिरे हुए हैं। वहीं अगर टॉलीवुड हीरो रामचरण की बात करें तो उनका क्रेज हर दिन बढ़ता जा रहा है। फिल्म RRR, ट्रूथ, लव, नेशन, फ्रीडम फाइटर, ब्रदरहुड, केयर पर बेस्ड थी। वहीं अगर बात करें फिल्म RRR की तो हो सकता है कि फिल्म में इस बार कुछ फ्रीडम फाइटर्स के लॉस और मोटिव्स को दिखाया जाए, जैसे सुभाष चंद्र बोस जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लॉन्च किया था, साथ ही उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को इस्टैब्लिश किया था। उनके अपने कंट्री के तरफ उनकी देशभक्ति इंडियंस के दिलों पर अपनी छाप छोड़ गई। चंद्रशेखर सीताराम तिवारी जिन्हें पॉपुलरली चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित जी और बलराज भी कहा जाता है,
फिल्म RRRR में हो सकता है कि साउथ के एक बड़े एक्टर इस फिल्म में जुड़ सकें, जिसके पहला नाम रॉकिंग स्टार यश का नाम सामने आ रहा है। यश की फिल्म KGF और KGF चैप्टर 2 ने जो तबाही मचाई है उससे हम सब वाकिफ हैं। KGF चैप्टर 2 एक मच अवेटेड फिल्म थी, जिसके देखने के बाद ऐसा लगा जैसा हमने जितना वेट किया वो सफल हुआ। जैसा कि फिल्म RRR में हमने फायर एंड वाटर को देखा था, तो हो सकता है कि ये फिल्म पंचभूत पर भी बेस्ड हो, और ये भी हो सकता है कि फिल्म के नेक्स्ट पार्ट में हमें एयर अर्थ एंड स्पेस भी देखने को मिले। हमारे कल्चरल रीजन और हमारी धरती से ये फिल्म हमें जोड़ कर रखने की एक कोशिश कर रही है। RRR में हमने जैसे यूनिटी के बारे में जाना, वैसे ही उसके नेक्स्ट पार्ट में भी हमने यूनिटी और अपनी मिट्टी के लिए लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स और सोल्जर्स के बारे में दिखाया जा सकता है। फिल्म RRR से भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, ये भी एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। अब तो दोस्तों अब देखना ये है कि क्या फिल्म RRR की जैसे ये फिल्म भी अपना दबदबा कायम रख पाती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वेल अब देखते हैं कि आखिर RRR कितना कमाल और धमाल मचा पाती है। आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिल्म का सोशल इम्पैक्ट कितनी प्रॉपर्टी है जूनियर NTR की, क्या कर सकते हैं जूनियर NTR। राजा मौले के फिल्म RRR अभी भी लोगों की जुबान में बसी हुई है। वैसे तो फिल्म की कहानी काफी सिंपल थी, पर फिर भी देश की आजादी की कहानी से भारतीयों को वापस जगा दिया था, और फिल्म को शायद फिल्माया अच्छे तरीके से गया था, जिसे पूरे 3 घंटे की फिल्म ने दर्शकों को बांधे रखा, और फिल्म को ऐसे बनाया गया कि फिल्म के आखिरी तक फिल्म की कहानी दर्शक प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए इंटरेस्ट आखिरी तक बना रहा। अब वैसे तो फिल्म के सीक्वल की काफी चर्चा हो रही है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मूवी RRR ने इंडियन सोसाइटी के लिए क्या मैसेज दिया है, जिसे सोसाइटी में कुछ बदलाव आ सके, और फिल्म से हमें क्या सीखने मिला था। फिल्म से हमें इंडिविजुअल इम्पैक्ट के बारे में समझ आया है, और कि यदि हमें किसी चीज में बदलाव चाहिए तो उसके लिए हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा और अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मूवी में अजय ने ब्रिटिशर्स की नौकरी करते हुए इस चीज को महसूस किया, तो उन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग अपने गांव में शुरू करके अपने जैसे और लोगों को जोड़ना चाहा, पर राम अकेले ही संग्राम में आगे बढ़ते गए, पर भीमा ने लोगों को एकजुट करने के लिए राम का भरपूर साथ दिया। हाँ, फिल्म में राम यदि अकेले ही आगे बढ़ते तो शायद कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते, पर राम नहीं होते तो इस संग्राम की शुरुआत भी नहीं होती। यदि राम और भीमा जैसे लोग हमारे देश में पैदा ही नहीं होते तो शायद आज भी हम गुलामी की जिंदगी में जी रहे होते। वैसे यदि आज के समय हमें कुछ बदलना है तो उसके लिए एकजुट होना काफी जरूरी है, पर उसे शुरू करने के लिए आज भी हमें एक रामा और भीमा जैसे आदमियों की आवश्यकता है। अब बात करें फिल्म RRR के हीरो जूनियर NTR की, तो वैसे तो वो फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं और काफी लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। वो अपनी हर फिल्म में 20 से 25 करोड़ तक की फीस चार्ज करते हैं, पर फिल्म RRR के लिए तो उन्होंने 45 करोड़ तक चार्ज कर लिया था। उनकी अब तक की संपत्ति की बात करें तो उनकी अब तक की संपत्ति लगभग 550 करोड़ रुपए है। उन्होंने अपनी शादी में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। वैसे फिल्म RRR में एक बार फिर जूनियर NTR इसका हिस्सा होंगे, पर फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद ये तो पक्का ही है कि वो अपनी फीस को एक बार फिर रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मूवी से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। क्यों साउथ की मूवीज को ज्यादा पसंद किया जा रहा है? क्या गलती कर रहा है बॉलीवुड? पर वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। भारत में चल रहा सीजन भले ही मॉनसून का हो, लेकिन बॉलीवुड में फ्लॉप फिल्मों की बाढ़ आई हुई है। संदीप और पिंकी फरार, बंटी और बबली 2, जयश भाई जोरदार, सम्राट पृथ्वीराज जैसी कई सारी मूवीज फ्लॉप होने के बाद अब रणबीर कपूर की शमशेरा, जो यशराज बैनर के अंडर बनी, लगातार 5वीं फ्लॉप मूवी है।
पर इस फ्लॉप की रेस में YRF अकेला नहीं है। बच्चन पांडे, हीरोपंती 2, रनवे 34 जैसी कई और बड़े बैनर की फिल्में हैं जो दर्शकों को पैंडेमिक के बाद थिएटर में लाने में नाकाम रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड अपनी चमक धीरे धीरे खो रहा है और पैंडेमिक के बाद इसमें तेजी आ गई है। एक्सपर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर बॉलीवुड को अपनी स्थिति में सुधार लाना है तो उसे अपनी हर बड़ी फिल्म्स को कंसिस्टेंसी के साथ तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेजेस में भी बनाना चाहिए ताकि साउथ की ऑडियंस भी बॉलीवुड की मूवीज़ देख सके। क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि करेंटली कुछ ही ऐसे बड़े बैनर्स हैं जो तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में अपनी मूवी लॉन्च करते हैं, जैसे यशराज जिन्होंने धूम और टाइगर सीरीज को तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया था। और जब तक बॉलीवुड साउथ की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तब तक ये सिचुएशन नहीं बदली जा सकती है। एक्सपर्ट ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बॉलीवुड को अब एक्टर्स को ज़्यादा पैसे देने के बजाय कंटेंट की क्वालिटी पर काम करना चाहिए, जैसे साउथ की मूवीज़ में होता है। जैसा कि आप सबको पता होगा KGF चैप्टर 2 सिर्फ 100 करोड़ में बन के तैयार हो गई थी। इस बात से तो हम सब भी अग्री करते हैं कि अगर हमारे बॉलीवुड में KGF जैसी बड़ी मूवी बनेगी तो उसका बजट 400 से 500 करोड़ होगा, क्योंकि मेन लीड एक्टर ही कम से कम 100 करोड़ तक फीस लेकर चले जाते हैं, जिस वजह से बाकी चीज़ें जैसे VFX, ऑन लोकेशन शूट, इन सब में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिसका असर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर होता है। इसके अलावा बॉलीवुड एक और गलती कर रहा है और वो ये है कि बॉलीवुड मेट्रो सिटीज़ जहाँ मल्टीप्लेक्स हैं उसे टारगेट कर रहा है, जबकि अभी भी हमारे इंडिया में सिंगल स्क्रीन्स मल्टीप्लेक्स से ज़्यादा और साउथ की ज़्यादातर मूवी मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस को भी टारगेट करती है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। हालांकि एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि आने वाली बॉलीवुड फिल्म जैसे लाल सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र, रक्षाबंधन और पठान बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी, क्योंकि बॉलीवुड के पास COVID-19 के टाइम की तुलना में अभी ज़्यादा अच्छी फिल्में लाइनअप है। पर फिर भी बॉलीवुड को अपने कंटेंट पर ध्यान देना होगा और ऑडियंस को वापस लाने का पूरा कोशिश करना होगा और कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अभी लोगों को ब्रह्मास्त्र से RR, KGF और बाहुबली जैसे परफॉर्मेंस की उम्मीदें हैं, और अगर ब्रह्मास्त्र लोगों की इन एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती है तभी बॉलीवुड वापस अपने पैरों पर आएगा। बाकी साउथ की फिल्में फिलहाल तो डोमिनेट करती रहेगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर। भंसाली प्रोडक्शन की CEO प्रेरणा सिंह भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत है कि आज के टाइम में कंटेंट ही असली किंग है। सिर्फ एक बड़े स्टार को लेने से मूवी हिट नहीं हो सकती, हमें कैरेक्टर के हिसाब से जो एक्टर फिट बैठ रहा हो उस कैरेक्टर में उसी को कास्ट करना होगा, तभी मूवी हिट होगी, जैसे साउथ की मूवीज़ RRR, KGF और पुष्पा ने किया। इन तीनों मूवीज़ ने केवल मेन लीड एक्टर परफेक्ट नहीं थे बल्कि सपोर्टिंग कास्ट भी अपने अपने कैरेक्टर में बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे थे, जिस वजह से मूवी को इतनी ह्यूज सक्सेस मिली। RRR और KGF ने तो अपनी परफेक्ट कास्टिंग, स्ट्रॉन्ग स्टोरी और VFX के प्रॉपर मदद से 1000 करोड़ के क्लब में भी एंट्री कर ली है। तो चलो फाइनली बॉलीवुड में किसी ने तो माना कि बड़ा स्टार के होने से मूवी हिट नहीं होती, अच्छा कंटेंट, राइट कास्टिंग भी ज़रूरी होती है मूवी को हिट करवाने के लिए। और ये अब और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि RRR के बाद RRR 2 आने वाली है, जिसमें RRR से ज़्यादा VFX होगा, RRR से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरी होगी और नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और इसलिए अब बॉलीवुड को कोई ऐसी मूवी बनानी ही होगी जो RRR 2 के सामने खड़ी हो सके। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड कंटेंट पर फोकस करके वापस खड़ा हो पाएगा या फिर इसी तरह साउथ ही डोमिनेट करते रहेगा? लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको पसंद आई हो आज की वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए बॉलीग्राड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। RRR की कहानी खत्म होती है जब राम और भीम अपने गाँव वापस आ जाते हैं और वो अपने परिवार वालों से रीयूनाइट कर लेते हैं। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ दो ही मकसद पूरे होते दिखाए गए हैं। पहला मकसद माली को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना और दूसरा मकसद गांव वालों को हथियार प्रोवाइड करना। लेकिन सबसे अहम मकसद यानी कि आज़ादी पाना तो इस फिल्म में दिखाया ही नहीं गया।
और अब जब आर 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 यानी कि नेक्स्ट पार्ट बन रहा है तो ये उम्मीद है कि कहानी उसी घाट से शुरू होगी जहाँ से पिछली खत्म हुई थी। फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे राम अपने साथ लाए हुए हथियारों को गांव वालों को सौंप देता है और तभी वहाँ एक नारा लगता है कि हम आज़ादी पा कर रहेंगे और सभी गांव वाले भी इस नारे में पार्टिसिपेट करते हैं और कहते हैं कि हम आज़ादी पा कर रहेंगे और ऐसा कहते कहते वो अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। गांव पहुंचकर गांव वालों को लगता है कि राम और भीम ने हमारे लिए कितना कुछ किया है तो हमें भी बदले में उनके स्वागत के लिए कुछ तो करना चाहिए और सब आपस में सहमति बनाकर डिसाइड करते हैं कि उसी शाम को राम और भीम के स्वागत के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में उनके लिए चिकन मटन राइस और खीर बनाई जाती है और उन्हें परोसी जाती है। एक फनी सीन में जब भीम अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना डालता है तो राम उसे कहता है कि इतने से में तेरा क्या होगा। अब जब सभी गांव वाले खा पी कर सो जाते हैं तो गांव में पुलिस ऑफिसर्स आते हैं राम और भीम को ढूंढने। हालांकि गहन मशक्कत के बाद भी उन्हें राम और भीम का कोई नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि कुछ तो है जो उन पर नज़र बनाए हुए है और जैसे जैसे पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं उन्हें कदमों की आहट सुनाई देने लगती है और जैसे ही उन्हें आभास होता है कि ये क्या है वो भागते हैं, लेकिन तभी उन पर एक शेर हमला कर देता है और वो शेर का निवाला बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही शेर है जिसे भीम ने जंगल में टेम किया था, यानी कि अपनी पावर से उसे अपने वश में कर लिया था। अब इस गांव में जब भी कोई अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर आता है तो वो शेर का निवाला बन जाता है, जिसके कारण अब रात में तो छोड़िए पुलिस ऑफिसर्स ने दिन में भी इस गांव में आना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब गांव में काफ़ी सारी दुकानें खुल गई हैं और गांव वाले अपनी ज़रूरत का सामान गांव से ही लेने लगे हैं और अब कोई भी अंग्रेजी पुलिस वाला डर के मारे इस गांव में आता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अलौरी ने भी गांव की महिलाओं को ज़रूरत में काम आने वाली नीतियाँ सिखाना शुरू कर दिया है, फिर चाहे वो कढ़ाई बुनाई सिलाई हो, वो ये सब कर कर बनाई हुई चीज़ें पास की मार्केट में बेच आते हैं और उससे हुई कमाई को वो एक पेटी में डाल देते हैं और दूसरी तरफ गांव के पुरुष भी अपनी ज़रूरत के लिए पैसे छोड़कर बाकी सारे पैसे उस पेटी में डाल देते हैं जिसका नाम है आज़ादी। राम और भीम भी वेश बदल कर पेंटर का गेटअप लेकर पास के शहर में काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका मेन मोटिव है आसपास के सारे हथियार घरों का पता लगाना और जैसे ही उन्हें कोई हथियार घर पता चलता है वो जानबूझकर पुलिस ऑफिसर्स को अपना चेहरा दिखाते हैं और जब पुलिस उनका पीछा करते करते गांव तक आती है तो वो शेर को छोड़ देते हैं और जिस कारण वो पुलिस ऑफिसर्स उनका निवाला बन जाते हैं। और अब वक्त है क्रांति का। अब राम और भीम ने अपनी सारी आर्मी इकट्ठा कर ली है और वो ब्रिटिश हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन इस क्रांति में अलौरी यानी कि आलिया की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आलिया का सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही रोल है और उनके अलावा इसमें जूनियर एनटीआर ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग फिलौरी और हैदराबाद में ही हुई है, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो विदेश में शूट किए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आलिया के डेथ सीन की तो वो फॉरेन कंट्री में ही शूट किया गया है। एसएस राजामौली चाहते हैं कि इस फिल्म की एक्शन सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा दमदार और धमाकेदार हो, इसलिए वो इस फिल्म पर काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। अब इस फिल्म की कहानी क्या होगी, कितना इंटेंस एक्शन दिखाया जाएगा, ये सब जानने के लिए हमें फिल्म के रिलीज होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको करना ये है कि हमें कमेंट करके बताना है कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें। अब क्या होगा तेलुगु इंडस्ट्री का, ट्रिपल आर क्यों सफर करेगी, तेलुगु इंडस्ट्री से क्या सीखना चाहिए बॉलीवुड को, राजामौली देंगे तेलुगु बोर्ड का साथ। अगर इस साल रिलीज हुई फिल्मों की रिपोर्ट देखें तो अभी तक की सबसे कामयाब फिल्म दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से निकली है। कन्नड़ इंडस्ट्री की केजीएफ चैप्टर 2 इस साल अब तक की सबसे सफल फिल्म, जिसने सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही 432 करोड़ का कारोबार किया था,
वहीं दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर है, जिसने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी बेहतरीन कारोबार करते हुए 270 करोड़ से अधिक कलेक्शन किया था। इसके अलावा कुछ और साउथ फिल्म हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाया। इसके बावजूद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का पहिया 1 अगस्त से जाम होने वाला है, फिल्मों की शूटिंग बंद कर दी जाएगी। ये फैसला वहाँ के निर्माताओं के एक संगठन ने लिया है और इसके पीछे एक खास वजह है। तेलुगु निर्माताओं का ये फैसला फिल्म इंडस्ट्री काफी चर्चा में है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के निर्माताओं ने यह फैसला तब लिया है जबकि वहाँ कुछ फिल्मों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हालत इस वक्त काफी खराब है। कुछ फिल्मों को छोड़कर इस साल बड़े कलाकारों और बजट वाली कई फिल्में फ्लॉप रही है। तो क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी कारोबारी मॉडल पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी समाधान तलाशने के लिए माथा पच्ची नहीं करनी चाहिए? इस सवालों के जवाब आने में शायद वक्त लगे, मगर 2022 की सबसे सफल फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की खस्ता हालत के लिए बड़े सितारों की आसमान छूती फीस को जिम्मेदार माना है। विवेक ने तेलुगु इंडस्ट्री के फैसलों को शेयर करते हुए लिखा, एक स्टार 150 करोड़ की फिल्म के लिए 120 करोड़ रुपए चार्ज करता है, या 60 से 70 करोड़ बजट की फिल्म के लिए 30 से 40 करोड़ लेता है, या 25 करोड़ की फिल्म के लिए 12 करोड़ लेता है। किसी बेवकूफ व्यक्ति के लिए भी इसे हजम करना मुश्किल है, वो भी लाइन से फ्लॉप्स के बाद। नई कहानियों और नए सितारे कहां से उभरेंगे अगर स्टूडियोज मरे हुए घोड़ों पर ही दाग लगाते रहेंगे? विवेक ने आगे लिखा कि सितारे लेखकों को लिखने नहीं देते, निर्देशकों को निर्देशन नहीं करने देते। कंटेंट, कास्ट, म्यूजिक, मार्केटिंग सभी पर उनका फैसला अंतिम होता है। जमीनी हकीकत से उनका रिश्ता जीरो है। यही वजह है कि बॉलीवुड फिल्मों का स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट की तरह नहीं होता। ये परिवार किसी आम भारतीय परिवार की तरह नहीं होते। ऐसे हालात में फिल्म सिर्फ प्रोजेक्ट बनकर रह गई है, जिन्हें ओटीटी पर बेचकर वो लागत निकाल लेना चाहते हैं। विवेक ने अपनी पोस्ट में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को भी टैग किया है। बिग बजट स्टार कास्ट वाली असफल फिल्मों की लिस्ट में ताजा एंट्री रणबीर कपूर की शमशीरा है, जो रिलीज के 5 दिनों में ही ढेर हो गई है। इससे पहले अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, अजय देवगन की रनवे 34, टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2, कंगना रनौत की धाकड़ और जॉन अब्राहम की अटैक जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर ने ओटीटी पर अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं बात करें तेलुगु फिल्म ट्रिपल आर, जो ट्रिपल आर का सीक्वल है, जो बिना बात के सफर कर रही है, क्योंकि उनको बनने से पहले भी ज्यादा देरी हो सकती है। भले ही देरी हो, लेकिन तेलुगु इंडस्ट्री के लिए सही फैसले और नियमों का इंतजार वहाँ से सब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को है। ऐसे तो ट्रिपल आर हिट फिल्म थी और इसके सीक्वल को बनाने पर कोई रोक नहीं लगा सकता, लेकिन राजामौली ने बोर्ड में फैसले को अंतिम माना है। इसके साथ उनकी सभी फिल्मों की शूटिंग फिलहाल 1 अगस्त से रुक जाएगी। मिल सकती है आदिलाबाद को आजादी, किन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराए हैं राम ने और कैसे तैयार की है रंपा सेना विद्रोह के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, फिल्म RRR अगले साल की सबसे अवेटेड मूवी होने वाली है, जिसमें जूनियर NTR, रामचरण और आलिया भट्ट नजर आएंगे। इस फिल्म में राम और भीम ने अपनी रंपा आर्मी को काफी ज्यादा मोटिवेट कर विद्रोह का ऐलान कर दिया है। राम और भीम को पता चला है कि ब्रिटिशर्स बहुत जल्दी अपने हेडक्वार्टर में एक बड़ा सा जश्न करने वाले हैं और इस जश्न में सारे बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिशियल्स मौजूद होंगे। इस दिन आदिलाबाद की भागदौड़ को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया जाएगा और आदिलाबाद के लोग ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि राम और भीम भी ये बात जानते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स की सरकार वहाँ बनती है तो वहाँ के लोग सिर्फ नौकर बनकर रह जाएंगे। वो सिर्फ खेती करेंगे और ब्रिटिशर्स का झूठा कपड़ा और बर्तन साफ करते रह जाएंगे। राम अपने लोगों से कभी ये काम नहीं कराना चाहता और ना ही वहाँ के लोग ये काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर सरकार भी बने तो उनके अपने लोग उस सरकार में शामिल हो, और इस वक्त पर वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं और वो कुछ और नहीं, वो है आज़ादी। और इसी के लिए राम और भीम ये प्लान करते हैं कि जैसे ही ब्रिटिशर्स उन्हें देखेंगे वो उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो भीम कहता है कि मैं पहले उस जश्न में जाऊंगा और वो लोग मुझे देखेंगे और मेरे पीछे आएंगे, और इस पर राम कहता है कि नहीं,
हम दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। ऐसे में जो रक्षा कवच या जो धागा भीम ने राम को बांधा था, राम उसके बहुत सारे टुकड़े करता है और पूरी रंपा सेना में बांट देता है ताकि सबकी सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो अब राम ने विद्रोह की सुबह सारे गांव वालों को अपनी नीति बताई। उसने बताया कि कैसे हम बड़े बड़े ट्रक्स में महल में शामिल होंगे और बाकी सारे लोग बाकी सभी गेस्ट के साथ मेन गेट से काम वाला बनकर अपने हथियार साथ लेकर एंटर करेगा। उसने बताया कि हम महल में पहुंचकर अपने साथ लाई औषधि को उनकी दारू में मिला देंगे। ये वो औषधि है जो आदिलाबाद के जंगलों में मिलती है और उसे खुद भीम ने बनाया है, क्योंकि भीम को औषधियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है और इस औषधि को लेने के बाद लोग अपना आपा खो बैठते हैं। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसे ही, क्योंकि जैसे ही औषधि मिली दारू वहाँ मौजूद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लेनी शुरू की, वो वहाँ खड़े खड़े झूमने लगे। और ऐसे में मौका देखकर राम ने आदिलाबाद के समझौते के कागज़ को अपने साथ लाए हुए कागज़ के साथ बदल दिया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि आदिलाबाद को ब्रिटिश सरकार नहीं चाहिए और उनके पास विचार की अभिव्यक्ति, शिक्षा का अधिकार और व्यापार और घूमने का उतना ही अधिकार है जितना बाकी किसी जिले में। और वहाँ मौजूद सारे न्यायिक अधिकारियों से उस पर सिग्नेचर भी ले लिए। तो ऐसे मिली गोंड के लोगों को आज़ादी। पर क्या ये आज़ादी इतनी ही थी? लेकिन इसके बाद भी नहीं ख़त्म हुआ है उनका संघर्ष, क्योंकि अब शुरू होता है बदले का सफ़र। जी हाँ दोस्तों, वहाँ मौजूद कुछ ब्रिटिशर्स उन लोगों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, जिसके बदले में गोंड लोग भी अपना हथियार निकाल लेते हैं और ब्रिटिशर्स पर काउंटर अटैक कर देते हैं। और उन्हें देखकर राम और भीम भी अपने लोगों को बचाने के लिए अपने साथ लाए हुए जंगली जानवर, जिसमें शेर भी शामिल है, उन्हें ब्रिटिशर्स पर छोड़ देते हैं। हालांकि राम और भीम बहुत कोशिश करते हैं वहां से निकलने की, पर निकल नहीं पाते। लेकिन वो सुनिश्चित करते हैं कि एक एक गांव वाला उस महल से बाहर निकल जाए। और ब्रिटिशर्स से लड़ते लड़ते राम और भीम भी महल से बाहर निकल कर उस महल पर बम बरसाने शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूरा महल राख हो जाता है और इस तरह मिल जाती है आदिलाबाद के लोगों को आज़ादी। पर दोस्तों, क्या ये आज़ादी परमानेंट है? क्या बस इतना ही था इनका सफ़र? खैर, ये जानने के लिए तो हमें मूवी के रिलीज़ होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर ये बात एकदम सुनिश्चित है कि पहले वाले पार्ट को देखकर ये यकीन हो चुका है कि आने वाला पार्ट और ज़्यादा एक्साइटिंग और ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाला है और VFX का भी बहुत कमाल का उसमें यूज़ होगा। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ बनाया गया बेस, कैसे सीन्स हो सकते हैं सीक्वल में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। मैं पूजा मोरे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ RRR2 फिल्म से जुड़े कुछ गर्मा गर्म वॉसेस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले कि आखिर फिल्मी दुनिया में पक क्या रहा है। वैसे देखा जाए तो फिल्म की स्टोरी टोटली फिक्शनल थी, वो किसी पर भी इंस्पायर्ड नहीं थी, ऐसा फिल्म के मेकर्स ने हमें बताया। लेकिन अब मुझे ही आप बताइए कि अगर इंडिया में फ्रीडम फाइटर्स पर कोई फिल्म बन रही हो और किसी से वो फिल्म इंस्पायर्ड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि गदर फिल्म भी बूटा सिंह के स्टोरी से इंस्पायर्ड थी। आपको बता दूं कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं कि अगर फिल्म इंडस्ट्री ठान ले सबकी एक एक मूवी बनाने का, तो चाहे फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाए लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स खत्म नहीं होंगे। माना कि फिल्म की स्टोरी मेकर्स के द्वारा बताई गई है कि फिक्शनल है, लेकिन फिर भी NTR और रामचरण जो कैरेक्टर निभा रहे हैं वो असली के फ्रीडम फाइटर्स थे। वैसे अगर हम फिल्म का एंड देखें तो किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि फिल्म का सीक्वल आ सकता है। जैसे कि हमने KGF, पुष्पा या बाहुबली में देखा कि जो मेकर्स है वो एंडिंग के सीन में एक सस्पेंस छोड़ देते हैं, जिसके चलते फैंस को ये पता चलता है कि इसका सीक्वल पक्का आने ही वाला है। इस फिल्म में NTR जो कैरेक्टर निभाते हैं भीम का, वो रियल लाइफ में फ्रीडम फाइटर थे जो कि आदिवासी के लीडर थे और जिन्होंने आदिवासी का ग्रुप बनाकर सारे ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला। दूसरा कैरेक्टर है रामचरण का, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं सीतारामा राजू का, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर से ही ट्रेन होते हैं और उनका जो एम होता है वो हमने मूवी में देखा ही है। वैसे देखा जाए तो दोनों भी फ्रीडम फाइटर्स इंडियन हिस्ट्री में असली में थे, वो अलग बात है कि दोनों भी कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाए, लेकिन भीम राजू की स्टोरी से वाकिफ थे। फिल्म में हमने रामचरण यानी राजू को एक सन्यासी की वेशभूषा में देखा,
अगर उनकी असल जिंदगी की स्टोरी देखी जाए तो ये जो फिल्म का एंड है यही उनकी असल जिंदगी की स्टार्टिंग थी। वैसे कहा जाता है कि पार्ट वन में हमें सिर्फ बेस ही दिखाया गया है कि कैसे उन दोनों ने संघर्ष की शुरुआत की, और जो पार्ट टू आने वाला है उसमें उन दोनों ने संघर्ष कैसे किया ये दिखाया जाने वाला है। अगर हम पार्ट वन को उन दोनों के लाइफ स्टोरी से कंपेयर करें तो हमको बस इतना ही पता चलता है कि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। R4 में लीड दो एक्टर नहीं बल्कि एक एक्टर और एक एक्ट्रेस होंगे। क्या R4 में होगी अलग तरीके की टक्कर? क्यों किया डायरेक्टर ने R4 की बात को इग्नोर? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। R4 की चर्चा RRR के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद तो बढ़ गई है। मूवी के डायरेक्टर एस राजामौली को हर जगह पूछा जा रहा है। मूवी में बेहतरीन डांस और ड्रामा के बाद ऑडियंस सीक्वल देखना चाहती है, जिसके चलते R4 की चर्चा हो रही है। क्या RRR के नाम में उसके 3 R का क्या मतलब है, इसका डिबेट चलता रहता है। या तो इसका मतलब कुछ लोग राइज, रोल, रिवोल्ट मानते हैं और कुछ लोग इसे 3 मेन पिलर्स जिनके बलबूते पर फिल्म बनी है उनके नाम पर बेस्ड ऐसा मानते हैं, जिसमें कि नाम शामिल है राजामौली, रामचरण और रामाराव। तो दोस्तों, अब ये डिबेट किसके सीक्वल का क्या नाम होगा ये जायज है। अगर नाम 3 लोगों पर है तो RRR 2 ही सीक्वल हो सकता है, और अगर कोई इनमें से बदले तो उनका नाम या उनका इनिशियल भी ऐड हो सकता है, और अगर ये एबिलिटीज के ऊपर है तो R4 में कोई और भी वर्ड जोड़ा जा सकता है। इसके लिए तो जानना होगा कि मेकर सीक्वल जब लाएंगे तो क्या सोच कर ला रहे हैं। R4 की बात आते ही डायरेक्टर राजामौली साफ मना कर देते हैं, लेकिन दर्शक बेसब्री से इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस मूवी के रिस्पॉन्स से काफी खुश है और शायद डायरेक्टर और कास्ट से डिबेट की अवेबिलिटीज पर बात कर रहे हैं। राजामौली फिलहाल महेश बाबू के साथ आलिया भट्ट को लेकर एक अलग मूवी में कास्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन आलिया का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उन्हें R4 में रोल पक्का दिला सकता है। RRR में आपको बता दें कि दोनों मेल रिवोल्यूशनरीज को फोकस किया है, लेकिन कुछ कहानियां ये भी निकल कर आ रही हैं कि हिंदुस्तान में फीमेल फ्रीडम फाइटर्स रही हैं, तो उनका स्क्रीन पर महज लव एंगल के अलावा देश के लिए लड़ने का मौका भी मिल सकता है। आलिया राजामौली के साथ काफी बातचीत कर रही हैं और उनका परफॉर्मेंस भी राजामौली की आंखों में आ गया है, तो क्या पता वो नेक्स्ट वेंचर में लड़ती नजर आए। RRR में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल दिखाई गई है, लेकिन R4 में ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान के ही अलग प्रांत के घराने लड़ते हुए नजर आए। इससे मूवी बेस भी बदल सकता है और मूवी में नया ट्विस्ट भी आ सकता है। R4 में दूसरी कास्ट देखने को मिलेगी? क्या सेम जगह होगी शूटिंग फिल्म की? क्या है राणा दग्गुबत्ती का RR के बारे में कहना? RRR मूवी ऑलरेडी 2022 की सबसे हिट मूवीज की लिस्ट में आ गई है। ये फिल्म ने इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस मूवी की जो स्टोरी है, जो ट्विस्ट है, जो सरप्राइजिंग फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से ये मूवी बहुत हिट हुई है। साउथ के सुपरस्टार्स ने मिलके इस मूवी में जो काम किया है वो आज से पहले किसी ने नहीं किया। इस मूवी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। मूवी में एक्टर्स ने जो डांस किया है और जो एक्टिंग करी है उसकी वजह से ये मूवी बहुत हिट हुई है। RRR मूवी DVV एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के अंडर प्रोड्यूस हुई है, जिसके प्रोड्यूसर DVV दनय हैं। इस हिट मूवी के जो डायरेक्टर है वो है SS राजामौली, जिन्होंने काफ़ी हिट मूवीज डायरेक्ट करी है, जैसे बाहुबली, जिसने इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। और इसके अलावा इन्होंने एक ऐसा फिल्म भी डायरेक्ट किया जिसे हम मक्खी के नाम से पहचानते हैं। इन दोनों के अलावा भी इन्होंने काफ़ी हिट फिल्म्स डायरेक्ट करी है, जैसे मगधीरा स्टूडेंट नंबर 1 और बाहुबली 2 द कंक्लूजन। RRR मूवी की कास्ट में जो एक्टर्स हैं उन्होंने साउथ में बहुत सारी हिट फिल्म्स की है। इस मूवी के मेन लीड रामचरण और जूनियर NTR है। इन दोनों एक्टर्स ने साउथ की काफ़ी फिल्म्स की है, जैसे मगधीरा, टेम्पर और विनय विद्या रमा। RRR में हमने इन दोनों बड़े एक्टर्स के साथ आलिया भट्ट को देखा, जिन्होंने बॉलीवुड की काफ़ी फिल्म्स की है और उन्होंने अपना डेब्यू किया साउथ मूवीज में इस फिल्म के साथ। चलिए और भी चीज़ें जानते हैं इस मूवी के बारे में। RRR मूवी में हमने अजय देवगन को भी देखा था एक क्रूशियल रोल प्ले करते हुए स्टोरी के हिसाब से। ऐसा हो सकता है कि RRR रिटर्न्स में अजय देवगन फिर से हमें देखने को मिले, या ऐसा भी हो सकता है RRR रिटर्न्स में हमें बॉलीवुड के किसी और सुपरस्टार देखने का मौका मिले। आलिया भट्ट का भी रोल बहुत क्रूशियल था RRR में।
अगर इस मूवी का सीक्वल आता है तो आलिया भट्ट हमें उसमें भी देखने को मिलेंगी। राणा दग्गुबाती जिन्होंने बाहुबली में काम किया था, उन्होंने भी एसएस राजामौली को प्रेज किया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कैप्टन, यू हैव डन इट। अजय देवगन ने भी इस मूवी को भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इतने ऊपर पहुंचाने के लिए रिमार्केबल कहा। अजय देवगन आरआरआर का हिस्सा थे और उनका रोल भी मूवी में काफ़ी क्रूशियल रहा। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि अगर आरआरआर 2 का सीक्वल रिलीज होगा तो उसमें क्या होगा। आरआरआर में दिखाया एंड में कि रामचरण और एनटीआर ने फॉरेनर को मार के उनकी बिल्डिंग भी गिरा दी और अपने अपने विलेज में चले गए। बट सीक्वल में क्या ऐसा हो सकता है कि फॉरेन से कोई और आया हो उनकी मौत का बदला लेने, या दिल्ली में कोई होगा जो इनसे बदला लेना चाहता है। आरआरआर के लिए सारे एक्टर्स और पूरी टीम आउट ऑफ इंडिया गई थी शूटिंग के लिए। शूटिंग काफ़ी अलग अलग जगह हुई, जैसे बुल्गेरिया, नीदरलैंड, यूक्रेन। आरआरआर की शूटिंग दिल्ली में भी हुई थी। आरआरआर मूवी का गाना नाचो नाचो जो इतना फेमस हुआ, उस गाने की शूटिंग भी यूक्रेन में हुई थी। डायरेक्टर एसएस राजामौली की ये एपिक फिल्म आरआरआर थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म ने सलमान खान की बजरंगी भाईजान और आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार को बीट कर दिया है। एक्सेस बनाएंगे बॉलीवुड स्टार्स के साथ R4। क्या ट्रिपल आर का क्लाइमेक्स होगा R4 की शुरुआत? क्या एक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हो रही है R4 डिले? ट्रिपल आर मूवी के क्लाइमेक्स में रामा राजू और भीमा ने अपने दुश्मनों को हरा कर विजय प्राप्त की थी, जिसकी एक तस्वीर राजामौली जी ने अपने ट्विटर पर भी डाली है। इसमें उन्होंने यही ऐलान किया था कि युद्ध जीत लिया गया है, लेकिन मूवी को खत्म करके राजामौली जी ने ये बात तो बता ही दी है कि उन्होंने पार्ट 2 के लिए पार्ट 1 में तो कोई स्टोरी नहीं छोड़ी। तो जानना यह है कि राइटिंग टीम और प्रोडक्शन टीम मिलकर क्या सोच रहे हैं। R4 में ये बात तो पक्की है कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स को ही नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा खबरें आई हैं कि बॉलीवुड सिर्फ कुछ ही फ्रीडम फाइटर्स को बार बार दिखाते हैं, इसके लिए कुछ ऐसे फाइटर्स जिन्होंने देश के लिए जान दी थी और वो साउथ को बिलोंग करते थे, ऐसे कुछ फाइटर्स को राजामौली दिखाना चाहते हैं। अब साउथ में ना तो एक्टर्स की कमी है और ना उन्हें फैन फॉलोइंग की, तो बॉलीवुड स्टार्स का मेजर रोल होना मुश्किल ही लग रहा है। लैंग्वेज अडेप्टेशन, ऑडियंस कनेक्शन और ऐसी बहुत बातें होती है जो मूवी को हिट कराने के लिए कैटलिस्ट का काम करती है, इसीलिए डायरेक्टर साउथ के हीरो से भी खुश है। हाँ, मूवी में आलिया भट्ट को जरूर कास्ट किया गया था, लेकिन वो प्योरली उनकी एक्टिंग स्किल सेट की वजह से R4 में कास्ट भले ही बदल गए स्क्रिप्ट की डिमांड पर, लेकिन एक्टर्स बॉलीवुड के नहीं लिए जाएंगे। मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स काफी नाप तोल के अपने एक्टर्स को फाइनल करेंगे, जिसके लिए उन्हें सबकी डेट्स मिलना जरूरी है। R4 की कास्ट भी RRR के जैसे ही बड़ी होगी। डायरेक्टर SS राजामौली खुद ही महेश बाबू के साथ एक नए वेंचर पे बिजी है, जिसके चलते वो टाइम नहीं दे पा रहे, और राइटर्स भी एक परफेक्ट स्क्रिप्ट जो एक्शन ड्रामा मूवी के लिए जा सके ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। RRR के क्लाइमेक्स में उस स्टोरी का तो एंड हो गया था, लेकिन मूवीज की फ्रेंचाइजी के लिए एक रिवॉल्यूशनरी स्टोरी ही ली जाएगी। एक्टर्स सभी अपनी अपनी मूवीज में बिजी है, इसीलिए R4 के प्रोडक्शन को फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है। हालांकि RRR से फायदे के बाद ऐसे रूमर्स तो आ रहे हैं कि R4 बनाई जाएगी, लेकिन इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। तो ऐसे में डेट्स की लो अवेलेबिलिटी की वजह से ही मूवी डिले हो रही है। कॉस्ट्यूम डिजाइन, कब तक रिलीज होगा इस फिल्म का ट्रेलर, क्या बदलेगा इस फिल्म का नाम? साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर SS राजामौली के सितारे इस समय बुलंदियों पर हैं। उनकी एक के बाद एक फिल्में आती रही हैं और उनकी लगभग हर फिल्म इस समय बहुत अच्छे से हिट हो रही है। SS राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म R4 में राजामौली की हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी एक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। R4 में नजर आने वाले एक्टर्स ओल्ड एंड मॉडर्न ट्रेडिशनल मिक्स के कॉस्ट्यूम्स में नजर आएंगे, और इस फिल्म में कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन करने का काम कोई और नहीं बल्कि SS राजामौली की वाइफ रामा राजामौली करेंगी। इससे पहले भी रामा राजामौली SS राजामौली की कई फिल्मों में कॉस्ट्यूम्स डिजाइन कर चुकी हैं, जिनमें बाहुबली, मगधीरा और R4 सीरीज की पहली फिल्म यानी कि RRR में भी रामा राजामौली कॉस्ट्यूम्स डिजाइन कर चुकी हैं। राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR की सीक्वल फिल्म R4 का नाम बदल सकता है। खबरों के मुताबिक पहले इस फिल्म का नाम R4 ही रखा गया था, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म RRR के रिलीज के बाद मेकर्स इस फिल्म की सीक्वल फिल्म R4 का नाम बदल सकते हैं। हालांकि इस फिल्म का नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, हम जल्द ही आपको इस फिल्म के बड़े बदले हुए नाम के बारे में अपडेट देंगे। दोस्तों, राजामौली की फिल्म RRR बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इस फिल्म के रिलीज होने की तैयारियां हैं। फिल्म RRR अगले साल यानी 2022 की
जनवरी में रिलीज की जाएगी। आरआरआर की रिलीज के बड़े से ही राज मौली R4 पर काम शुरू करेंगे और R4 की लगभग आधी शूटिंग पूरी हो गई है, तो इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया जाए। बात करें अगर R4 के ट्रेलर रिलीज की, तो अनुमान है कि मेकर्स साल 2023 की शुरुआत में फिल्म का ट्रेलर भी चुटकियों में रिलीज करेंगे। हालांकि अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। अपनी इस फिल्म R4 के बारे में फिल्म के डायरेक्टर SS राज मौली जल्द ही खुलकर बात करेंगे और हम सबको कंफर्मेशन देंगे। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और फिल्मी दुनिया की बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड। क्या RR का भी होगा एक और पार्ट? क्या आलिया भट्ट को मिल सकती है एक और साउथ की फिल्म? क्या कोई और हीरो भी करेगा रोल? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कनिका लिंगवाल और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। 2022 में रिलीज हुई RRR मूवी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये एक्शन ड्रामा मूवी एक महीने से ऊपर भी थिएटर्स में चल रही है। इसी बीच कितनी मूवीज आई और कितनी उतर गई, लेकिन RRR का क्रेज खत्म ही नहीं हो रहा। इसे बाहुबली 2 के डायरेक्टर SS राजमौली ने ही डायरेक्ट किया, और कमाल की बात है कि RRR ने बाहुबली 2 का ग्रॉस कलेक्शन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जैसे बाहुबली भी 2 पार्ट्स में रिलीज हुई थी, वैसे ही ऑडियंस का सवाल है कि क्या RRR भी सीक्वल आ सकता है या नहीं। हालांकि मूवी RR में एंड में स्टोरी कम्प्लीट ही होती दिखाई गई है, लेकिन दर्शकों को इतनी पसंद आई कि वो अब इसके सीक्वल का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। RRR के लिए क्या स्टोरी होगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन दर्शक RRR के कास्ट को ही दोबारा देखना चाहेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो RRR के टीजर के रिलीज से पहले हुई थी, उसमें मूवी के डायरेक्टर SS राजमौली से पूछा गया था कि क्या वो इसे कंटिन्यू करेंगे या नहीं, जिसमें उनका रिप्लाई था कि बाहुबली खुद ही इतनी बड़ी थी कि स्टोरी के 2 पार्ट्स में बंटना था ही, लेकिन RRR एक कंप्लीट फिल्म है और वो सिर्फ बिजनेस के लिए ये गलत काम नहीं करना चाहते। इससे तो यही पता चलता है कि फिलहाल डायरेक्टर नेक्स्ट पार्ट का नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मूवी के सक्सेस के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद वो एक न्यू पार्ट जिसकी कुछ नई स्टोरी हो उसे लेके आ सकते हैं। RRR 2 लेजेंडरी लोगों के ऊपर बनाई गई है जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। एक्शन सीन्स और देश के प्रति प्रेम को देखकर ऑडियंस काफी इन्वॉल्व हो गई, जिसके चलते वो एक पार्ट या कुछ मिलती जुलती स्टोरी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। RRR का म्यूजिक भी RRR की तरह ही आपको नचाने पर मजबूर कर सकता है। कहने को तो RRR भी डिलेड रिलीज का शिकार रही, लेकिन दर्शकों का ये उम्मीद करना कि RRR भी देर सवेर आ सकती है गलत नहीं होगा। RRR की तरह ही इसमें एंटी रामा राव जूनियर, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट दिख सकते हैं। इसी के साथ अगर कोई न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है RRR में, तो उसकी एक्टिंग भी इन्हीं की जैसे जबरदस्त होनी चाहिए। अब देखना यह है कि RRR भी बड़े पर्दे पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए आएगी या ये ख्वाब ही रह जाएगा। स्टार के रिलीज होने से पहले R4 बनाने का क्यों लिया फैसला SS राजमौली ने? R4 क्यों होने वाली है दिलचस्प फिल्म? क्या आलिया और ओलिविया करेंगी आइटम नंबर R4 में? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज हम बात करेंगे फिल्म R4 में होने वाले आइटम सॉन्ग की। साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR की टीम एक बार फिर काम पर लौट चुकी है और बहुत खुश भी है। पिछले साल 5 अक्टूबर से ही हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और टीम के प्रमुख सदस्यों के साथ काम फिर से शुरू हो गया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण सारे काम लगभग रुक गए थे, यहां तक कि फिल्मों की शूटिंग भी बंद कर दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ लोग अपने अपने कामों पर दोबारा लौटने लगे, फिल्मों की शूटिंग भी धीरे धीरे शुरू होने लगी। RRR के वापस काम पर लौटने को लेकर निर्देशक राजमौली ने शेयर किया कि ये बहुत लंबा ब्रेक था और ये समय केवल फिल्म के लिए चीजों को बेहतर बनाने में मददगार था। पूरी टीम वापसी के लिए तैयार है और चीजों के बदलने से पहले हमने जो काम शुरू किया था उसे फिर से शुरू करने के लिए उत्साहित है। मैं दर्शकों को फिल्म दिखाने का इंतजार कर रहा हूँ। इस कठिन वक्त में उनका समर्थन अविश्वसनीय रहा है और पूरी टीम उनके अपार समर्थन के लिए आभारी है। इसके साथ ही RRR के रिलीज से पहले ही R4 यानी RRR के दूसरे पार्ट पर भी SS राजमौली ने काम शुरू कर दिया है। टीम का वापस काम पर लौटने के लिए जश्न मनाने के लिए NTR द्वारा R4 में अभिनीत भीम के किरदार का पहला लुक रिलीज करने के लिए तैयार है। इससे पहले रामचरण के किरदार रामा राजू के पहले लुक के प्रति मिली प्रतिक्रिया अभूतपूर्व थी। बता दें कि SS राजमौली द्वारा निर्देशित R4
माना जा रहा है RRR में आलिया गाना गाते हुए दिखने वाली हैं, लेकिन वो सिर्फ हिंदी रीमेक में गाना गाएंगी जो कि एक आइटम सॉन्ग होंगे। एक अखिल भारतीय फिल्म है जो DVV दानने द्वारा DVV एंटरटेनमेंट बैनर के तहत निर्मित है। फिल्म में NTR, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस सहित कई अन्य कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये काल्पनिक कहानी है जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी पर बनी है, लेकिन ये फिल्म इसके आगे की कहानी होगी या कोई अन्य स्वतंत्रता सेनानी की कहानी होगी, ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। ये फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज करने के लिए बनाई जा रही है। क्या R4 है RRR का सीक्वल? कौन रहेंगे मेन एक्टर फिल्म में? दोस्तों आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। SS राजामौली की फिल्म RRR को ऑडियंस से ढेर सारा प्यार मिला। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 1 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की है। फिल्म की सक्सेस को देखते हुए सभी के दिमाग में एक ही सवाल है कि क्या इसका सीक्वल आ रहा है। तो आप सबको बता दें कि हाँ, RRR का सीक्वल आ रहा है और उसका टाइटल शायद होगा R4। मूवी के राइटर KV विजेंद्र प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए ये बोला है कि जल्द ही RRR का सीक्वल आने वाला है और इस मूवी को एक फ्रेंचाइजी भी बनाया जाए। उन्होंने ये भी बोला है कि जूनियर NTR और SS राजामौली के साथ स्टोरी आइडियाज भी डिस्कस हुए हैं। SS राजामौली ने भी मीडिया से कही है कि वो RRR की सीक्वल बनाने की सोच रहे हैं ताकि वो अपने भाइयों जूनियर NTR और रामचरण के साथ और टाइम बिता सकें। जाहिर सी बात है कि फिल्म के लीड्स और डायरेक्टर के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई है। RRR का सीक्वल का टाइटल अभी सुनने में आया है कि वो R4 हो सकता है। अभी कोई ऑफिशियल स्टोरी लाइन या ट्रेलर नहीं मिला है सीक्वल का, लेकिन ये बात साफ है कि जल्द ही आने वाला है R4। RRR की सफलता के बाद ये सभी उम्मीद करते हैं कि R4 भी कुछ कम नहीं होगी। ये भी सुनने में आया है कि R4 RRR की स्टोरी का कंक्लूजन होगा। RRR में टॉलीवुड के सुपरस्टार्स को छोड़ के बॉलीवुड के बहुत प्यारे अजय देवगन और आलिया भट्ट को भी देखा गया है। जाहिर सी बात है कि उनके थोड़े से झलक पाने के लिए फैंस ने सिनेमा घरों में भीड़ जमा दी थी। RRR आलिया भट्ट और अजय देवगन की टॉलीवुड की डेब्यू फिल्म है, तो फैंस के मन में ये सवाल आ रहा है कि R4 में भी कुछ देख पाएंगे वो अपने प्यारे स्टार्स को। तो आपको बता दें कि अभी कास्ट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन R4 में इन एक्टर और एक्ट्रेसेस को हम फिर से देख सकते हैं। RRR के लीड एक्टर्स जूनियर NTR और रामचरण लौटेंगे अपनी रोल में। अपने प्रिय और साहसी स्वतंत्रता सेनानी कोराराम भीम और अलूरी सीताराम राजू को फैंस फिर से देख पाएंगे मूवी स्क्रीन्स पर R4 में। आलिया भट्ट भी अपने रोल सीता में लौट सकती हैं। RRR के कास्ट में हॉलीवुड के फेमस एक्टर रे स्टीवनसन भी दिखे थे, उन्होंने थॉर जैसी मूवी में काम किया। अभी तो SS राजामौली सुपरस्टार महेश बाबू के साथ नई फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। R4 की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, RRR अभी भी बॉक्स ऑफिस में आग लगा रही है, इसलिए डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि सीक्वल थोड़ी देर बाद ही बनेगा। लेकिन इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जल्द ही सिनेमा में रिलीज होने जा रही है राजामौली और महेश बाबू की फिल्म। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं और R4 को लेकर आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या एक और गाना रिलीज? क्या बातें हो रही है आलिया और अजय को लेकर? क्यों खुश है प्रोडक्शन टीम? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। RRR एक बहुत ही बड़ी सक्सेस साबित हुई, इसलिए नहीं क्योंकि वो पेंडेमिक के बहुत टाइम बाद थिएटर्स में आई, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन जोरदार थी और ऑडियंस को साउथ के फ्रीडम फाइटर्स देख के काफी मजा आया। दर्शकों का काफी टाइम से सेम स्टोरीज देखकर मन भर गया था और इसी के लिए एक नई स्टोरी लाइन उनका मन छू गई। इसी के चलते ऑडियंस काफी होप्स लगाए बैठी है कि मेकर्स और एक इसी मूवी का सीक्वल लेकर बड़े पर्दे पर आएंगे। भले ही स्टोरी अलग होगी क्योंकि RRR की स्टोरी क्लाइमेक्स में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन शायद बैकड्रॉप सेम रह सकता है। ऑडियंस R4 को लेकर एक्साइटेड है और इसीलिए हर जगह सवाल पूछ रही है। हालांकि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन RRR का बिजनेस भी अच्छा है, इसलिए R4 के लिए बजट निकाल पाना मेकर्स के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। R4 के लिए लोग इसलिए भी ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्हें ये कास्ट काफी पसंद आई है साथ में काम करते हुए और इसी की वजह से एक बार और इन्हें दूसरी मूवी में साथ देखना चाहती है ऑडियंस। ऑडियंस को रुकना तो पड़ेगा, लेकिन कब तक इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं, मगर ऐसा जरूर होना ही चाहिए। RRR भले ही थिएटर्स में 50 से ऊपर दिनों से चल रही है और अब इसकी OTT पर आने की भी खबरें कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन मेकर्स अभी भी इसे बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। अप्रैल के लास्ट वीक में ही एक न्यू सॉन्ग दोस्त रिलीज हुआ है हिंदी में, जो कि ऑडियंस के दिल को काफी छू गया है। ऐसे में र्यूमर्स ये आ रहे हैं कि मेकर्स R4 का क्रेज बढ़ा रहे हैं, इसलिए मेकर्स धीरे धीरे हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं।
हालांकि ये सॉन्ग लॉन्ग ड्यू था, लेकिन इसका ऐसे रिलीज होना साफ जाहिर करता है कि मेकर्स ऑडियंस को लूप में रखना चाहते हैं। सॉन्ग अभी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग है और मूवी को और भी वाहवाही लूटने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे में मेकर्स आपस में R4 को लेकर क्या चर्चा कर रहे हैं, ये तो अब देखने वाली बात होगी। मूवी RRR का हिट होना और मूवी का ग्रैंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑब्वियसली प्रोडक्शन के लिए सेलिब्रेशन की बात बन चुकी है। R4 से इतना फायदा होगा ये सोच सोच कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काफी दिल लगाकर बैठ गया है। डायरेक्टर एसएस राजामौली जी और सभी क्रू काफी मेहनती हैं और ऐसे में RRR के सक्सेस के बाद उनका मनोबल R4 को बनाने का और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या है शाहरुख और RRR का कनेक्शन, क्या R4 में संजय दत्त आएंगे नजर? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अगर हम RRR की बात करें तो ये फिल्म बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपने दमदार एक्शन से कमाल कर चुकी है। फिल्म में कई सारे टेक्निक्स और इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है जो इस फिल्म को फैबुलस बनाते हैं। फिल्म में बाघ का सीन हो या फिर वॉर का सीन हो, इस फिल्म को भव्य बनाते हैं ये सारे सीन्स। इन सारे सीन को खूबसूरत बनाने का श्रेय शाहरुख खान और उनके प्रोडक्शन हाउस को जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को ही पता है। ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि ये फिल्म हॉलीवुड के एक्शन सीक्वेंसेस को टक्कर देने वाली है और वो कोई और नहीं बल्कि शाहरुख की ही रेड चिली ने किया है। यानी ये फिल्म पूरी तरह से भारत में बनी टेक्निकली ग्रेट है, बल्कि स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में टक्कर देकर ये साबित किया है कि वो किसी के मोहताज नहीं है। शाहरुख ने अपनी इस कंपनी को साल 2006 में एस्टैब्लिश किया था जब काफी लोगों को VFX के बारे में पता भी नहीं था। खुद राजामौली ने रेड चिली कंपनी में बैठकर सारे इफेक्ट्स तैयार करवाए थे। फिल्म की सफलता से रेड चिली कंपनी भी उन्हें भर भर के बधाई दे रही है। आगे आने वाले सीक्वल में भी शाहरुख की कंपनी फिर एक बार R4 की मदद करेगी। RRR का सीक्वल विदेश के भी कई हिस्सों में शूट होगा और साथ ही कई धमाकेदार वर्ल्ड क्लास एक्शन सीन्स और VFX इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। खबरों की माने तो रामचरण और NTR दोनों ही ब्रिटिश राज के खिलाफ नए मिशन की तैयारी करते दिखेंगे। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की भी एंट्री हो सकती है जो इन्हें ब्रिटिश राज के खिलाफ मदद करते दिखेंगे। फिल्म में संजय दत्त की मुलाकात इन दोनों कलाकारों से विदेश में होगी, जहां संजय दत्त इन्हें कई हथियार देते दिखेंगे जो आगे चलकर ब्रिटिश सेना का सामना करेंगे। इससे पहले संजय दत्त को KGF 3 में भी दमदार एक्टिंग करते हुए देखा जा चुका है। शायद यही वजह है कि राजामौली ने इन्हें लेने का डिसीजन लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप R4 देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। NTR राजामौली रिटर्न्स, क्या कहा फिल्म के एक्टर्स ने, कहां रिलीज होगी ये फिल्म फिर से, क्या होने वाला है 20th मई को। RRR मूवी ऑलरेडी 2022 की सबसे हिट मूवीज की लिस्ट में आ गई है। RRR ने इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। RRR मूवी की जो स्टोरी है, जो ट्विस्ट है, जो सरप्राइजिंग फैक्टर्स है, उनकी वजह से ये फिल्म बहुत हिट हुई है। साउथ के सुपरस्टार्स ने मिलके इस मूवी में जो काम किया है वो आज से पहले किसी ने नहीं किया। इस मूवी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। मूवी में एक्टर्स ने जो डांस किया है और जो एक्टिंग करी है उसकी वजह से ये मूवी बहुत हिट हुई है। RRR मूवी DVV एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के अंडर प्रोड्यूस हुई है, जिसके प्रोड्यूसर DVV दयाना है। इस हिट मूवी के जो डायरेक्टर है वो है SS राजामौली, जिन्होंने काफी हिट मूवीज डायरेक्ट करी है, जैसे बाहुबली, जिसने इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। और इसके अलावा इन्होंने आगे फिल्म भी डायरेक्ट करी है जिसे हम मक्खी के नाम से पहचानते हैं। इन दोनों के अलावा भी इन्होंने काफी हिट फिल्म्स डायरेक्ट करी है, जैसे मगाधीरा, स्टूडेंट नंबर 1 और बाहुबली 2 द कंक्लूजन। RRR मूवी की कास्ट में जो एक्टर्स हैं उन्होंने साउथ में बहुत सारी हिट फिल्म्स की है। इस मूवी के मेन लीड रामचरण और जूनियर NTR है। इन दोनों एक्टर्स ने साउथ की काफी फिल्म्स की है, जैसे मगाधीरा, यमाडोंगा, टेम्पर और विनया विधेया रामा। RRR में हमने इन दोनों बड़े एक्टर्स के साथ आलिया भट्ट को देखा, जिन्होंने बॉलीवुड की काफी फिल्म्स की है और उन्होंने अपना डेब्यू किया साउथ मूवीज में इस फिल्म के साथ। चलिए और भी चीजें जानते हैं इस मूवी के बारे में। एक किसी इंटरव्यू में मीडिया ने मूवीज के स्टार NTR से पूछा कि RRR का सीक्वल आएगा कि नहीं। तब NTR ने कहा कि फैंस चाहते हैं कि RRR का सीक्वल बने और बिल्कुल सही है, फैंस बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि फैंस डिमांड्स फॉर RRR इज फेयर। उन्होंने इसके अलावा मजाक में ये भी ऐड किया कि अगर मूवी के डायरेक्टर SS राजामौली अगर RRR का सीक्वल ना बनाए तो फैंस उन्हें मारने लग जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि RRR 2 SS राजामौली को बनाना ही चाहिए और बाहुबली की तरह RRR का भी एक कंक्लूजन होना ही चाहिए।
लास्ट में उन्होंने ये कहा कि RRR2 होपफुली बन जाए। मूवी के दूसरे स्टार रामचरण ने भी इस चीज का कहा कि उन्होंने अब कंटेंट फील होता है और वो बहुत खुश है कि मूवी अब फाइनली रिलीज होगी, क्योंकि पहले मूवी रिलीज नहीं हो पा रही थी और बहुत बार डिले हो गई थी COVID-19 पैंडेमिक की वजह से। रामचरण ने यह भी कहा कि RRR2 जरूर बननी चाहिए अगर मूवी के डायरेक्टर SS राजामौली चाहते हैं तो। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इसी रीजन से नहीं कि मूवी ने इतने पैसे कमाए हैं, बट इसलिए ताकि वो अपने ब्रदर्स के साथ और टाइम स्पेंड कर पाए। उन्होंने कहा कि ये उन्हें के लिए ज्यादा एक्साइटिंग होगा। मूवी के 1,000 करोड़ क्रॉस करने की खुशी में एक पार्टी हुई थी जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान भी आए थे। मूवी को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं और फैंस अभी भी एक्साइटेड है और दोबारा जरूर देखना चाहते हैं इस फिल्म को। बट अब ये फिल्म तो थिएटर से चली गई है, बट अभी रिसेंटली ही ऐसा बताया गया है कि ये फिल्म कुछ टाइम Zee5 के प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होने वाली है और जिन्होंने Zee5 का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो इस फिल्म को दोबारा देख सकते हैं फ्री में। RRR फिल्म ऑफिशियली Zee5 ऐप पर 20 मई को रिलीज होने वाली है और ये उन लोगों के बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने ये फिल्म थिएटर्स पर नहीं देखी, वो भी अब इस फिल्म का मजा अपने घर बैठे बैठे ले सकते हैं, जो कि इस फिल्म के फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस फिल्म के बारे में और भी चीजें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। R4 में बॉलीवुड के एक्टर्स देखने को मिलेंगे। क्या R4 बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म बन पाएगी? क्या होगी R4 की कहानी? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। RRR मूवी ऑलरेडी 2022 की सबसे हिट मूवीज की लिस्ट में आ गई है। RRR ने इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिए हैं। RRR मूवी की जो स्टोरी है, जो ट्विस्ट है, जो सरप्राइजिंग फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से ये मूवी बहुत हिट हुई है। साउथ के सुपरस्टार्स ने मिलकर इस मूवी में जो काम किया है वो आज से पहले किसी ने नहीं किया। इस मूवी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। मूवी में एक्टर्स ने जो डांस किया है और जो एक्टिंग करी है उसकी वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा हिट हुई है। RRR मूवी DVV एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के अंडर प्रोड्यूस की गई है, जिसके प्रोड्यूसर DVV धनाया है। इस हिट मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं SS राजामौली, जिन्होंने काफी हिट मूवीज डायरेक्ट करी है, जैसे बाहुबली जिसने इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे, और इसके अलावा इन्होंने ईगा फिल्म भी डायरेक्ट करी है जिसे हम मक्खी के नाम से पहचानते हैं। इन दोनों के अलावा भी इन्होंने काफी हिट फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं जैसे मंदिरा, स्टोरी नंबर 1 और बाहुबली 2 द कंक्लूजन। RRR मूवी के कास्ट में जो एक्टर्स हैं उन्होंने साउथ में बहुत सारी हिट फिल्म्स की हैं। इस फिल्म के मेन लीड रामचरण और जूनियर NTR हैं। इन दोनों एक्टर्स ने साउथ की काफी फिल्म्स की हैं जैसे मंदिरा, यमदोंगा, टेम्पर और विनाया विधेया रामा। दोस्तों, RRR में हमें इन दोनों बड़े एक्टर्स के साथ आलिया भट्ट को देखने का भी मौका मिला था, जिन्होंने बॉलीवुड की काफी फिल्म्स की हैं और उन्होंने अपना डेब्यू साउथ मूवीज में इस फिल्म के साथ किया है। तो चलिए और भी चीजें जानते हैं इस फिल्म के बारे में। RRR ने जब 1,000 करोड़ का क्लब क्रॉस कर लिया था तब एक पार्टी हुई थी जिसमें वेटरन लिरिसिस्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने SS राजामौली को जीनियस कहा और कहा कि RRR के सक्सेस का मेन रीजन बॉक्स ऑफिस नहीं है और सिर्फ इसलिए इस मूवी को याद नहीं रखा जाएगा कि इस मूवी ने इतने पैसे कमाए थे। उन्होंने कहा कि असली रीजन जिसकी वजह से इस मूवी को याद रखा जाएगा वो है कि SS राजामौली का जो क्लियर विजन था और जिस हिसाब से उन्होंने स्टोरी को नरेट किया और किस तरीके से उन्होंने सब कनेक्ट किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो है कि अगर RRR2 का सीक्वल रिलीज होगा तो उसमें क्या होगा। RRR में एंड में दिखाया कि रामचरण और जूनियर NTR ने फॉरेनर्स को मार के उनकी बिल्डिंग्स भी गिरा दी और अपने अपने विलेज में चले गए। बट सीक्वल में क्या ऐसा हो सकता है कि फॉरेन से कोई और आए जो उनकी मौत का बदला ले, या दिल्ली में कोई होगा जो इनसे बदला लेना चाहता हो। जो पार्टी हुई थी 1,000 करोड़ क्रॉस होने की खुशी में, उस पार्टी को SS राजामौली ने अपने फादर वी विजेंद्र प्रसाद, जो कि RRR के राइटर भी हैं, उनके साथ अटेंड किया था। उन्होंने कहा कि RRR एक फ्रेंचाइजी है और RRR का सीक्वल भी जरूर आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अभी पता नहीं है कि किस सीक्वल में सेम कास्ट होगी या कोई ऐड भी हो सकता है स्टार कास्ट में। RRR मूवी के लिए रामचरण और जूनियर NTR ने काफी एफर्ट्स लगाए थे। मूवी का जो हिंदी डब है उसमें जो वॉइस है वो इन एक्टर्स की खुद की वॉइस है। होपफुली RRR के सीक्वल में फैंस को इनका एफर्ट देखने को मिलेगा। SS राजामौली की मूवीज इतनी हिट हो जाती हैं और बहुत पैसे अर्न करती हैं, तो ये भी एक्सपेक्टेड रहता है कि उनके मूवीज का बजट भी बहुत ज्यादा रहे। RRR का बजट 550 करोड़ का था और जब RRR का सीक्वल आएगा तो उसका बजट भी इतना ही होगा या हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि डायरेक्टर तो ऑब्वियसली यही ट्राई करेंगे कि उनकी फिल्म पुरानी फिल्म से और भी ज्यादा अच्छा करे। और SS राजामौली ने बाहुबली 2 को भी इतना सक्सेस दिलाया था। होगी आलिया और राम की मुलाकात। किसने बनाया आलिया के लुक को बेहतर? कैसा रिएक्शन होगा फैंस का?
आरआरआर के बाद अब ये फिल्म अपने सीक्वल के साथ एक धमाकेदार एंट्री करने जल्द ही अपने सिनेमाघरों में आने वाली है। इस फिल्म से रिलेटेड आज की सबसे मजेदार खबर ये है कि आलिया को हो गया है रामचरण से प्यार। ऐसा खुद आलिया ने कहा है और लोगों ने इसे सच मानकर ट्विटर इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करना चालू कर दिया है। लेकिन खबर तो कुछ और ही थी, पर इन फैंस को पूरी बात सुनने की आदत कहाँ है। दरअसल आलिया को रामचरण से प्यार तो हुआ, पर असल जिंदगी में नहीं बल्कि फिल्म के अंदर रियल लाइफ में हुआ था। जी, उनकी आने वाली फिल्म R4 यानी कि RRRR के बारे में यहाँ बात की जा रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बार आलिया को भी एक्शन करते हुए देखा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उनके और राम का प्यार भी लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली है। और जहां एक तरफ जूनियर NTR और रामचरण अपने समुदाय के लोगों के साथ मिलकर अपनी सेना तैयार करते दिखेंगे, वहीं दूसरी ओर आलिया की एंट्री को दिखाया जाएगा। खबर है कि आलिया की एंट्री एक छुपे सेनानी की तरह दिखाई जो जंगल की ओर बढ़ती दिखेगी, और जहां जूनियर NTR चरण और समुदाय के लोग होंगे, और तभी ही आलिया वहां से गुजर रही होगी और राम की नजर उन पर पड़ी होगी। लेकिन लगता है कि विदेशी आदमी उन सब के ऊपर हमला करने आया है, तो इतने सारे इन दोनों की काफी टेंशन भरी तलवारबाजी शुरू हो जाती है। इतने में आलिया राम बाहों में गिरते नजर आएंगी और उन्हें आभास होगा कि ये तो एक औरत है। पहले ही नजर में राम उन पर फिदा होते दिखेंगे और इसी दौरान इन तीनों एक्टर्स की मुलाकात को दिखाया जाएगा और राम आलिया को एक दूसरे से प्यार होते नजर आएगा। आलिया फिल्म के अंदर एक गुप्तचर का किरदार निभाने वाली हैं और ब्रिटिश कम्युनिटी के एक शख्स की मदद से उनकी सारी योजना जानकर उनके खिलाफ प्लान बनाते हुए दिखाई देंगी। वो राम और जूनियर NTR की सबसे मजबूत कड़ी साबित होने वाली हैं। और चलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि फैंस इस कहानी और जोड़ी को कितना पसंद करने वाले हैं। आलिया फिल्म के अंदर एक भारतीय सेनानी के लुक में दिखी जाएंगी और उनके इस लुक को बेहतरीन बनाएगी अनु रेड्डी और सबू शायरी। पिछली बार भी इन्हीं दोनों ने आलिया के लुक और कॉस्ट्यूम को बेहतरीन बनाया था और फिल्म के सीक्वल को फिर से OTT प्लेटफॉर्म पर भी दिखाया जाएगा। RRR ने इस बार OTT 2000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड में किया और इससे साफ जाहिर है कि फिल्म का सीक्वल भी डबल धमाल मचाने वाला है। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो फिर आपके इस फिल्म के ऊपर क्या ख्याल है और आप आलिया को किस लुक में देखना पसंद करेंगे, या आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और कौन से एक्टर्स के बीच हुआ ब्रोमांस, क्या है गे लव स्टोरी को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन, किस सीक्वल में भी दिखाया जाएगा ब्रोमांस। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। फिल्म RRR के सक्सेस को लेकर ऑडियंस और इंडस्ट्री में काफी एक्साइटमेंट का माहौल बना हुआ है। इसी पॉपुलैरिटी के चलते इन दिनों फिल्म RRR के गे एंगल को लेकर भी ऑडियंस के बीच काफी चर्चा चल रही है। चर्चा का विषय है कि क्या RRR एक रोमांटिक गे लव स्टोरी थी या फिर ब्रोमांस। हालांकि गे लव स्टोरी और ब्रोमांस के कॉन्सेप्ट में काफी डिफरेंस है, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद ऑडियंस के लिए बात आइडेंटिफाई कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि उन्होंने स्क्रीन पर ब्रोमांस देखा है या फिर दो लड़कों का गे रोमांस। इस एक्शन ड्रामा फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया गया था और ये फिल्म रिलीज होते ही साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। बात की जाए फिल्म की एक्चुअल स्टोरी लाइन की, तो फिल्म रौद्रम रनम और रुधिरम, जो शॉर्ट लीड RRR नाम से पॉपुलर है, दो इंडियन रेवोल्यूशनरीज यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू और कोमराम भीम ने ब्रिटिश राज सिस्टम के अगेंस्ट जो फाइट की थी उसको शोकेस करती है। फिल्म में सीताराम के किरदार में रामचरण नजर आ रहे हैं और कोमराम भीम के किरदार में जूनियर NTR। ऑफिशियली स्टोरी लाइन का मोटिव दोनों कैरेक्टर्स के बीच ब्रोमांस का कॉन्सेप्ट दिखाना था, लेकिन ऑडियंस को ब्रोमांस से ज्यादा इस फिल्म में गे लव एंगल परसीव हुआ। इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच के गे अफेयर एंगल आजकल ऑडियंस के बीच काफी चर्चा में है। इस फिल्म को जब वेस्टर्न ऑडियंस ने बिग स्क्रीन पर विटनेस किया तो वेस्टर्न सिटीजन का ऐसा कहना था कि ये एक गे लव एंगल स्टोरी थी।
जबकि कुछ ऑडियंस का कहना था कि दोनों कैरेक्टर्स फिल्म में होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन शेयर करते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑडियंस के बीच चल रही इस टाइप की कन्फ्यूजन को क्वीर रीडिंग का नाम दे दिया गया है। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ये स्ट्रेंज कन्फ्यूजन सिर्फ वेस्टर्न ही नहीं बल्कि इंडियन ऑडियंसेस के बीच भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए, क्या आपने भी कुछ ऐसा ही परसीव किया था या आपको ये नॉर्मल एक रोमांस लगा था? क्या सच में बनेगी ये फिल्म? क्या बोले SS राजामौली ट्रिपल आर के सीक्वल के बारे में? क्या रामचरण और जूनियर NTR मान गए फिल्म के लिए? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। मशहूर डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा में रिलीज हो चुकी है। अगर आप इस फिल्म को सिनेमाघर में नहीं देख पाए तो आप इसका घर पर आनंद ले सकते हैं। इस फिल्म ने दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई की है। मूवी में जूनियर NTR और रामचरण की जोड़ी को खूब पसंद किया गया है। इस कहानी में आपको जूनियर NTR और रामचरण की दमदार एक्टिंग के अलावा खतरनाक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रिपल आर ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर अब तक 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इससे पहले SS राजामौली ने बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया था। दो मशहूर भारतीय क्रांतिकारी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू की कहानी को दिखाया गया है ट्रिपल आर में, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। इस फिल्म में कमाल के विजुअल इफेक्ट्स थे जो स्क्रीन में बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं। जूनियर NTR और रामचरण के अलावा इस फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे सितारों ने काम किया था। SS राजामौली ने साफ किया है कि ट्रिपल आर फिल्म का पार्ट 2 नहीं होगा। ट्रिपल आर फिल्म के सीक्वल के बारे में पूछे जाने पर SS राजामौली ने कहा, जब मैंने बाहुबली बनाई तो कहानी 2 हिस्सों में थी, यानी कि 2 भाग में। ट्रिपल आर में पूरी कहानी है एक फिल्म के अंदर। मैं फिल्म को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मार्केटिंग के लिए या बिजनेस के लिए बनाने में विश्वास नहीं रखता। ये फिल्म बनाने का एक बेईमान तरीका है। मैं इस तरह की फिल्मों को कभी नहीं बनाना चाहता। जब रामचरण और जूनियर NTR को इस मूवी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जूनियर NTR ने सीक्वल के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा, राजामौली सर को RR का सीक्वल बनाने की जरूरत है, इस कहानी का निष्कर्ष निकालने की जरूरत है। मैं आज से पहले किसी से बात कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैंने कहा कि ट्रिपल आर एक फ्रेंचाइजी है, उम्मीद है कि वो शब्द सच होंगे। रामचरण ने कहा, NTR पहले ट्रिपल आर की रिलीज को समाप्त होने दें, फिर सीक्वल के बारे में सोचेंगे। कौन से OTT पर होगी ट्रिपल आर रिलीज? क्यों प्रशांत और जूनियर NTR ने किया सेलिब्रेशन? क्या है ये नया ट्रेलर? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। ट्रिपल आर 50 दिन से ज्यादा थिएटर्स में चली है और इसी के लिए मेकर्स इसकी सक्सेस से प्रभावित है। R4 का आना नहीं आना अभी नहीं पता है, लेकिन दर्शक काफी होप्स लगाए बैठे हैं और हो भी क्यों ना। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किसे देखना नहीं पसंद है। R4 की चर्चा आग के जैसे फैल रही है और इसी के बीच ये खबर आई है कि ट्रिपल आर को OTT पर लगाया जा रहा है, जिसकी डेट्स भी डिसाइड हो गई है। ट्रिपल आर को नेटफ्लिक्स पर 25 मई या फिर जून के फर्स्ट वीक में लाया जाएगा और नेटफ्लिक्स पर मूवी का हिंदी वर्जन होगा और Z5 पर तमिल, मलयालम और तेलुगु भाषा में दर्शाया जाएगा। इसे OTT पर बड़े ही हाई प्राइसेस पर बेचा गया है और दोस्तों, हो भी क्यों ना, आखिर मूवी ने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स जो ब्रेक किए हैं, ऐसे में मूवी का जो क्रेज है और ऑडियंस में जो इच्छा है कि वो OTT पर भी इस मूवी को दोबारा देखेंगे, इससे मेकर्स को काफी मजबूर होना पड़ रहा है कि वो R4 के बारे में सोचे। जब दर्शक सेम मूवी को दोबारा देखने के लिए इतने एक्साइटेड है तो R4 को देखने के लिए दर्शक कितने ज्यादा एक्साइटेड होंगे। भाई प्रशांत नील और जूनियर NTR साथ में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए थे। दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी 5 मई को आती है, जिसके चलते दोनों ही साथ में क्लोज सेलिब्रेशन करते दिखाई दिए। इसकी पिक्चर जूनियर NTR और प्रशांत नील ने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाली विद कैप्शन #newbeginnings, जिसका मतलब है कि कुछ तो नया आने वाला है और यही शायद हिंट है कि डायरेक्टर प्रशांत नील और जूनियर NTR R4 की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। अभी तक तो कोई हिंट नहीं आया था, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि सेलिब्रेशन के बहाने शायद R4 या ट्रिपल आर के सीक्वल पर कोई बातें हुई हैं, जिसके बाद दोनों ने ये अपने अपने सोशल मीडिया पर डाला है। तो देखना ये है कि क्या R4 की अनाउंसमेंट जल्दी होने वाली है या ये महज एक अफवाह है। ट्रिपल आर OTT पर रिलीज हो रही है, इसकी खबरें तो आ गई हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि मेकर्स ने इसके प्रमोशन के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ट्रिपल आर के लिए एक न्यू ट्रेलर लॉन्च हुआ है जो OTT के प्रमोशन के लिए है।
इससे ये साफ जाहिर होता है कि मेकर्स इसे लेके काफी सीरियस है। ये ट्रेलर 20 मई को रिलीज होगा और ऐसे में R4 की इतनी ग्रैंड ओपनिंग और चर्चा होगी ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। हर चीज का ध्यान रखती है मार्केटिंग टीम और इसीलिए देखना ये है कि R4 में क्या क्या होता है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट्स में बता दीजिए कि आप R4 को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। राम चरण ने दिया शॉकिंग परफॉर्मेंस, क्या तीनों एस्टैब्लिश एक्टर्स दिखेंगे RRRR में? कैसी होती है राजा मौली की मूवीज? हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट YouTube चैनल बॉलीग्रे स्टूडियोज। मैं हूँ आपके साथ अंशिका वर्मा, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। क्या आप सब जानते हैं कि RRRR भी स्पेशल इफेक्ट्स के साथ बनी एक एक्शन मूवी हो सकती है? क्या आप सबको पता है कि बीच में कुछ ऐसे एक्सेशंस और क्लेम्स लगे थे रामचरण के बारे में कि रामचरण को जूनियर एनटीआर से ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला और वो आरआरआर के बाद अवार्ड प्राइजेस भी लेकर चले गए। लेकिन इन सब क्लेम्स को डायरेक्टर SS राजामौली ने क्लियर किया है और बताया है कि ये सब नजरिए का प्रॉब्लम है। समझिए, अगर आप अलग नजरिए से देखें तो NTR फिल्म के हीरो लगते हैं, लीड लगते हैं। तो क्या RRRR में भी NTR की हीरो होंगे फिल्म में, या फिर होगा कुछ अलग? ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर सच में रामचरण को ज्यादा स्क्रीन स्पेस दिया गया NTR के भी ज्यादा, तो फैंस को यही लगेगा कि जो RRR में हुआ था वो यहाँ भी रिपीट हो रहा है। डायरेक्टर राजा मौली ने तो ये भी बताया कि वो जानते हैं कि NTR एक फिनोमिनल एक्टर है, पर रामचरण का इस टाइप का परफॉर्मेंस कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा। लाइक ऐसे लेवल का परफॉर्मेंस डिलीवर करना बहुत मुश्किल था उनके लिए, पर ये उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने ये भी बताया कि असल में ऑडियंस उनकी एक्टिंग को देखकर पागल हुई थी। रामचरण से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रूमर्स है और मैं और NTR बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमें एक दूसरे के साथ काम करके बहुत मजा आया और इसके बाद भी हम एक दूसरे के साथ काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने NTR से काफी कुछ सीखा है और अजय के साथ भी उनकी जर्नी कमेंडेबल रही है और वो इस जर्नी को वापस जीना चाहेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन तीनों को ही RRR में, क्योंकि तीनों ही एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं और तीनों ने भी RRR में बहुत अच्छा काम किया है। राजा मौली की मूवीज जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रह चुकी है। राजा मौली की मूवीज में एक्टर्स लार्जर देन लाइफ होते हैं, माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस लेते हैं और मैक्सिमम एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं। उनकी मूवी में कंप्यूटर इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होता है और स्पेशल इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं जो मूवी को और भी अच्छा बनाते हैं। तो अभी तक इस फिल्म को लेकर कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं मिल गई है, तो इस फिल्म की कॉन्फर्मेशन के लिए हमें वेट करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या किया आमिर ने RRR प्रमोशन में? आमिर ने चली RRR को लेकर कौन सी चाल? क्या RRR तोड़ पाएगी बाहुबली के रिकॉर्ड? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रास स्टूडियोज में। साउथ सुपरस्टार रामचरण जूनियर NTR की अपकमिंग फिल्म RRR पर सभी की निगाहें हैं। इस फिल्म को ग्रैंड स्तर पर बनाया गया है। फिल्म की रिलीज अब बेहद करीब है, जिसकी तैयारी में फिल्म की पूरी टीम जी जान से लग रही है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए बीते दिन दिल्ली में हुए एक इवेंट में सुपरस्टार आमिर खान ने भी हिस्सा लिया, जहां मिस्टर परफेक्शनिस्ट सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR के साथ उनके फिल्म के गाने नाचो नाचो पर थिरकते दिखे। इस दौरान उनके लिए रामचरण और जूनियर NTR की एनर्जी को मैच करना जरा मुश्किल हो गया। बता दें, आमिर खान और आलिया भट्ट फिल्म RRR के प्रमोशन को लेकर इन दिनों साथ साथ नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है, ऐसे में इस फिल्म के निर्देशकों की उम्मीद काफी बढ़ गई है। हाल ही में आलिया भट्ट ने हिट फिल्म गंगूबाई दी है और इन दिनों हर तरफ उनके चर्चे हैं। बता दें कि दिल्ली से पहले RRR की कास्ट निर्देशक SS राजामौली के साथ गुजरात में प्रमोशन के लिए थी। वहां उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से फिल्म का प्रमोशन शुरू किया। RRR पहली फिल्म है जिसका प्रमोशन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से किया गया। SS राजामौली की फिल्म 25 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म के प्रमोशन में तेजी से चल रही है। बता दें, एक महीने पहले गंगूबाई काठियावाड़ी ने सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन किया और इस सप्ताह RRR के साथ ये सफर जारी रहेगा। आलिया भट्ट की फिल्म ने 100 करोड़ क्लब की सफलता के रूप में उभरी। इसके बाद द कश्मीर फाइल्स भी जो आराम से 275 करोड़ पार करने के लिए तैयार है, अब RRR सिनेमा स्क्रीन को हिट करने वाला है। हाँ, SS राजामौली की फिल्म से जिसे हर तरह की उम्मीद है, जिसकी वजह से ही हर तरह के नंबर इधर उधर फेंके जा रहे हैं। कोई 15 करोड़ कहता है तो कोई इसे 20 करोड़ का स्टारर कहता है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि ये बाहुबली द कंक्लूजन नहीं है, जहाँ हिंदी दर्शक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इसलिए भले ही एनटीआर जूनियर और रामचरण स्टारर के लिए 11 टू 13 करोड़ रुपए की शुरुआत हो, जिसमें अजय देवगन और आलिया भट्ट की विशेष उपस्थिति है, तो ये काफी अच्छा होगा, जिसे बेशक हिंदी ऑडियंस इस फिल्म का इंतजार कर रही है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल? जिंदगी एक जंग है, जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो, कितने बजट में बनी आरआरआर? क्या फिल्म में तीन सुपरस्टार को रखना पड़ा महंगा? क्या फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी? भारतीय फिल्म जगत में जिसने फिल्म को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है वो है डायरेक्टर एसएस राजमौली, जिन्होंने अपनी फिल्म बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन बनाकर इतिहास को फिर से लिखा। ना सिर्फ बड़े बजट में बनी फिल्में बल्कि उनके कलेक्शन ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। कहने की जरूरत नहीं है कि बल्कि दर्शकों को उम्मीद है कि राजमौली आने वाली फिल्म आरआरआर मतलब राइज रोर रिवोल्ट के साथ खुद को मात देंगे। क्या ऐसा लगता है कि फिल्म ने बाहुबली को पीछे छोड़ दिया, कम से कम फिल्म के बजट के मामले में? रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मंत्री प्राणी नानी ने एक बयान में इस बात का खुलासा किया था। प्रेस को दिए मंत्री के बयान में कहा गया है, हमें आरआरआर की डायरेक्टर की तरफ से एक इनविटेशन मिला। उस जानकारी के अनुसार डायरेक्टर ने जीएसटी ऑफ फिल्म के कलाकारों और सपोर्टिंग एक्टर्स के वेतन को छोड़कर फिल्म पर 336 करोड़ खर्च किए। जल्द ही फाइल मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगी और हम मूवी टिकट की कीमतों में और बढ़ोतरी करने का फैसला करेंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि फिल्म का बजट आसानी से कुल 400 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। ये देखते हुए कि फिल्म में सुपरस्टार है, फिल्म में रामचरण और जूनियर एनटीआर लीड रोल में है और बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे कलाकार भी फिल्म में नजर आएंगे। इससे पहले दावा किया गया था कि रामचरण और जूनियर एनटीआर ने 45 करोड़ रुपए चार्ज किए, जबकि अजय देवगन 25 करोड़ रुपए में फिल्म का हिस्सा बनने के लिए सहमत और आलिया भट्ट ने 9 करोड़ रुपए चार्ज किए। एसएस राजमौली फिल्म की कमाई का 30% हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बाहुबली द कंक्लूजन 250 करोड़ रुपए में बजट में बना। राजमौली ने जहां 28 करोड़ रुपए लिए वहीं प्रभास ने 25 करोड़ रुपए का और राणा रघुपति ने 15 करोड़ की फीस ली। ऐसे में आरआर फिल्म के तीन सुपरस्टार रखना बड़ा महंगा पड़ा राजमौली को। इस फिल्म ने बाहुबली को तो पीछे छोड़ दिया बजट के मामले में, लेकिन बात करें तो राजमौली की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती ही है। चाहे वो फिल्म की कास्टिंग हो या फिल्म की स्टोरी, दोनों ही कमाल की होती है। अभी तक राजमौली के डायरेक्शन में जितनी भी फिल्में आई हैं, सब सुपर हिट ही साबित हुई। ऐसे में फिल्म आरआरआर भी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। आरआरआर में जूनियर एनटीआर कोमाराम की और रामचरण अलूरी सीताराम राजू के रूप में है, जबकि आलिया भट्ट सीता का किरदार निभाती नजर आएंगी। मूल रूप से जुलाई 2020 का रिलीज के लिए निर्धारित है और फिल्म आखिरकार 25 मार्च को एक नाच के रिलीज के लिए तैयार है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।